मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो एक मत से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। आइए अंदर आ जाइए आप लोग। जनाब अली, वो गुजरखाना किधर है? वो उस तरफ। अच्छा, शुक्रिया। चेक करना पड़ेगा। माचिस दें? हाँ लीजिए। थैंक यू। शुरू कर देंगे जल्दी। अच्छा, मैं बाहर हूँ साहब, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये दरवाजा खटखटाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और सब लोगों को बता दीजिए कि अब से फैसला होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही किसी से मिल सकता है। फोन करने और सुनने की भी इजाजत नहीं है। मैं बता चुका हूँ। चिंता नहीं है आप? नो थैंक्स। हाँ यस जी, नहीं शुक्रिया। इंपोर्टेड? ओके या ओह, एक बात पर गौर किया आप लोगों ने? मिस्टर, मैं हर चीज पर गौर करता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज माय प्रोफेशन। ओह, कितनी गर्मी है आज का अखबार देखा आप लोगों ने? साल का सबसे गर्म दिन है। जी अच्छा, अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज इतनी गर्मी है। गर्मी तो उस मुलजिम को लग रही होगी कटघरे में, नहीं? यहां तो एयर कंडीशन लगा होना चाहिए था। और ये पंखे क्यों नहीं चल रहे? अरे भाई, ये क्या हो रहा है? शायद हम लोगों को वोटिंग की जरूरत पड़ जाए, इसलिए पहले से तैयार रहना ठीक है। कमाल है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है क्या? कहिए कैसा लगा सब कुछ? मेरे विचार से तो काफी दिलचस्प रहा। अच्छा जी। भाई मैं तो सो रहा था। नहीं, वो मैं पहली बार आया हूँ ना, शायद इसीलिए मुझे। अच्छा अच्छा, पहली बार तब आया जी? हो सकता, मैं तो वैसे कई बार आया। अच्छा, लेकिन दिलचस्प कभी कुछ नहीं लगा, बल्कि मुझे तो हमेशा इन वकीलों को देखकर ताज्जुब हुआ है। साहब किस तरह बोलते चले जाते हैं, बहस पे बहस, चाहे केस में कोई दमी ना हो या चाहे ये केस, लेकिन नहीं बोलेंगे जरूर। खामा, अब आप बताइए, आपने इतनी लफाजी कहीं सुनी है? लेकिन मेरे विचार से उन्हें बोलने का अधिकार है। चलिए है अधिकार, लेकिन कोई मुद्दा तो हो। थैंक यू। देखिए साहब जी, मैं आखिरी आदमी होंगे जो इस बात से इनकार करे, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल के इन बदतमीज और उजट लड़कों को मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। इन लोगों को तो शुरू में ठोंक पीट कर बराबर कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हमारा कितना वक्त बचे, पैसा बचे। क्यों, क्या ख्याल है साहब, शुरू किया जाए? हाँ, और जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मेरा ख्याल है हम सब लोगों को बहुत से काम भी होंगे, नहीं?
मेरा ख्याल है दो एक मिनट और। एक सज्जन अभी अंदर बाथरूम में है। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए तो काफी मजेदार रहा। नो डेड स्पॉट्स। मैं तो कहूंगा हम लोग बहुत लकी रहे कि खून का मामला मिला। कहीं धोखाधड़ी या चोरी हो जाए केस मिल जाता तो रियली बोर हो जाते। नहीं, और मुल्जिम का वो चाकू वाला किस्सा? बकवास। अरे ये लोग तो हमेशा से ऐसे ही हैं और कर भी कह सकते हैं। और मुल्जिम ने उसी रात चाकू खरीदा भी था और उसी रात खो भी दिया। कमाल है। क्यों, क्या बात है, जुकाम है आपको? हाँ यार, इस गर्मियों के जुकाम ने तो नाक की ऐसी की तैसी कर रखी है। गनीमत है, आपका हॉर्न तो बज रहा है, अब अपनी लाइट स्ट्राइक कर लीजिए। सोने पे सुहागा। बिजली गायब। देख लीजिए ये हालत इस देश, इस साली गवर्नमेंट की। खाने में कटौती, पीने में कटौती, हर चीज में कटौती। लानत है ऐसी कटौती पे। बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट गुन्नार मर्डल ने एक जगह लिखा है, दुनिया की सरकारों का कटौती के लिए कहना बिल्कुल ऐसा है जैसे कहा जाए कि आपका जूता छोटा है, अपने पांव काट ले। अब बताइए कोई क्या करे? पावर हाउस वाले भी यही कह देंगे, बैठिए यही तंदूर में। अरे साहब कोई फायदा नहीं, चले छोड़िए, सरकारी बत्ती है, जरा जल्दी से शुरू कर दीजिए। असल में मैंने वो मशाल के टिकट ले रखे हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ब्लैक में। सुना है दिलीप कुमार का काम बहुत अच्छा है, जल्दी शुरू कर दीजिए शो। अच्छा तो भाई हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग को नंबर से बैठना चाहिए, 2, 3, 4, अब 5, ये यहाँ 12 तक। जी, अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठे, नंबर से बैठो। नहीं नहीं, यही कायदे की बात है, हम लोगों को अपने नंबर की सीट पर ही बैठना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है यही बिल्कुल सही बात है। दिस इज योर्स प्लीज। ये बैग यहाँ किसका है? मेरा बैग मैं लेता हूँ। मैं लेके देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस बॉय, वेलकम, दिस इज योर्स प्लीज। थैंक यू, सिट डाउन। थैंक यू। आपका अखबार। मुझे सरकारी वकील बहुत स्मार्ट लगा। किस तरह से एक के बाद एक लॉजिकली उसने अपने पॉइंट्स रख के बेचारे डिफेंस काउंसिल की धज्जियां उड़ा दी। ही वाज रियली शार्प। जी, काफी समझदार था। दरअसल उसका अटैक बहुत जबरदस्त था और ये अटैक बहुत मैटर करता है, जिस तरह से शतरंज की पहली चाल ही बता। ओके कमान प्लीज, जरा जल्दी से शुरू किया जाए। आइए, आप भी आ जाइए। मैंने कहा भाई साहब आइए, आप बैठेंगे नहीं क्या? आई एम सॉरी। आइए जल्दी से, यहां बैठिए। थैंक यू। बड़ा मुश्किल होता है यकीन करना कि एक बेटा अपने बाप को मार डाले, जैसे खून करना रोजमर्रा की चीज हो। आपको पता है क्राइम का रेट क्या है इस साल? अगर आप इन फिगर्स को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि लेकिन इसमें कसूर किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का, जो इस घटिया तबके को दुनिया भर की रियायतें दी जा रही है ताकि इनसे वोट हासिल कर सके। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गंदा खून गंदा ही रहेगा। ये सब आपस में लड़ मरेंगे और यही इनकी सजा है। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, पूरे हो गए सब लोग? वो बुजुर्गवार अभी अंदर है। प्लीज आप दरवाजा खटखटा दीजिए। जी। थैंक यू। आपने मशाल देखी? जी नहीं। नहीं? कोई हॉलीवुड फिल्म, मार्लन ब्रांडो? जी नहीं, इन सब चीजों के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। नहीं? शिट। आइए जनाब, हम शुरू करना चाहते हैं। जी जनाब, हम शुरू करना चाहते हैं। जरूर जरूर, माफ कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यहां बैठ जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। तो ठीक है, अब आप लोग जैसे भी चाहें इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो यह है कि हम लोग सबसे पहले सारे पॉइंट्स पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। और दूसरा तरीका यह है कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें पता चल सके कि हम कहां खड़े हैं। माफ कीजिएगा, एक मिनट। मेरा ख्याल है पहले वोटिंग की जाती है। हाँ, वोट ले लिया जाए पहले, हो सकता है कि 5 मिनट में छुट्टी पा जाए। ये सब आप लोगों पर है, लेकिन याद रखने वाली बात सिर्फ एक ही है कि उस लड़के पे कत्ल का इल्जाम है। अगर हम उस लड़के को कसूरवार ठहराते हैं तो हम उसे फांसी के तख्ते पे पहुंचा। एंड दैट इज मैंडेटरी। अरे भाई ये बातें हम लोगों को मालूम है, चलिए वोट कर लेते हैं। चलिए। हाँ जरा पता तो चले कौन किधर है।
कोई ऐसा भी है जो वोट देना नहीं चाहता? अरे क्या पागल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं बस जल्दी कीजिए। तो चलिए वोट ले लेते हैं। वोटिंग एक बात से होनी चाहिए, 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमाल है। 11 लोगों की राय कसूरवार है और बेकसूर। क्या हो रहा है? तो 11 कसूरवार और एक बेकसूर। कमाल है यार, हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। अब क्या किया जाए? ठीक है, करना क्या है? हाँ क्या करें? मेरा ख्याल है बातचीत। सुनिए, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे कुछ पता नहीं। वाह, सुना आपने? 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद हुजूर फरमाते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक जनाब, आप कुछ कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में थे और आपने भी वही सब कुछ सुना है जो हम सब लोगों ने सुना है। यह आदमी खतरनाक कातिल है, क्या आपको मालूम नहीं है? आदमी, उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस है। हाँ हाँ ठीक है, 19 बरस भी बहुत होते हैं, कोई ना समझ बच्चा नहीं था वो। उसने अपने बाप का खून किया, उसके सीने में खंजर भोंका, 4 इंच गहरा नहीं है। yes. बिल्कुल साफ जाहिर है, मैं तो शुरू से समझ गया था। कौन नहीं समझा था? ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मामला है, शक की गुंजाइश ही नहीं। बीसियों तरीके से उन्होंने इसे साबित कर दिया। अब आप चाहेंगे कि मैं वो सारी बातें आपको फिर से गिनाऊंगा? जी नहीं। कमाल है भाई। जी नहीं, तो फिर आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, मैं इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूं। 11 आदमी यहां पर एक राय लिए बैठे हैं, किसी को दोबारा बहस करने की जरूरत महसूस नहीं सिवाय आपके। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूं कि नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब हुआ? 11 वोटों में से कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर भेज दूं। ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा दिया। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। आप चाहें तो 100 साल तक बातचीत करते रहे, मेरा दिमाग नहीं बदल सकते आप। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम यहां किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम गलत हो तो? मान लीजिए हम गलत हो तो? ये क्या बात हुई? मान लीजिए कि सारी बिल्डिंग मेरी सर पर गिर पड़े तो? माना तो कुछ भी माना जा सकता है। जी बेशक। फैसले में कितना वक्त लगता है इसे क्या फर्क पड़ता है? हम सबकी एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है। अब मान लीजिए कि हम लोग ये 5 मिनट में सोच लेते हैं, इसे क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा सोच ले तो क्या फर्क पड़ेगा? फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है। ओके ब्रदर, आप भी मेरे साथ चलिए, एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास। ब्लडी शिट। खामोश खामोश, आप एक कुछ कहना चाहता है? मैं ये नहीं। आप कुछ कहना चाहते? मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार। वाह कमाल कर रहे। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। एक लड़की डॉक्टर के क्लिनिक में दौड़ती हुई दाखिल हुई, कमर तक बिल्कुल नंगी। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? हम लोग आपका लतीफा सुने यहाँ नहीं बैठे हैं। अच्छा तो ठीक है, आप ही बताइए किस लिए बैठे हम यहाँ। हो सकता है कोई वजन हो, मुझे पता नहीं, लेकिन एक लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसकी अब तक की उम्र ठोकरें खाते गुजरी है, तकलीफ सहते गुजरी है, दुनिया भर की बेइज्जती और दुत्कार मिली है उसे। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई है। 9 साल की उम्र में उसकी मां से छिन गई और जब उसका बाप चोरी की जुर्म में 1.5 साल की जेल भुगत रहा था, यह लड़का एक यतीमखाने में अपने दिन काट रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी तमाम बातों से आप वाकिफ हैं, आपने कोर्ट में सुनी है। इन तमाम तकलीफों में इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं और हो सकता है 20 पूरे भी नहीं कर सके। मैं समझता हूं उसके प्रति कम से कम कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हैं ही। दैट्स ऑल। सुनिए मिस्टर, मुलजिम पर मुकदमा बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया है। एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है मालूम है आपको? यह तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है जो सरकार की तरफ से उसे एक वकील दिया गया है। और फिर हम लोग भी कोई बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम सब ने यह मुकदमा पूरी तरह से सुना है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, इनका तो आवा का आवा ही खराब है। इनकी किसी बात पे यकीन कर लेना सरासर बेवकूफी है। इन सालों की तो पूरी कौम ही पैदाइश ही झूठी है।
जनाब अली, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। ये क्या कह रहे हैं? आप क्या सोचते हैं सच क्या है, इसका इल्म सिर्फ आपको है? आपने सच्चाई का ठेका ले रखा है क्या? ठेका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है। क्या बाप अपना उपदेश शुरू कर रहे हैं? ठेका। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बहस की कोई जरूरत है। जहां तक मेरा ख्याल है, कम से कम हमसे सभ्य लोगों की तरह बर्ताव करने की उम्मीद की जानी चाहिए, और अगर हमें बहस करनी है तो उन मुद्दों पर, उन सबूतों पर बहस करें जो मुकदमे में हमारे सामने पेश आए। मेरा ख्याल है इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो उसकी वजह बताएं। हो सकता है इन्हें किसी किस्म की गलत फहमी हो जिसे हम दूर कर सकें। ये क्या कर रहे हैं आप? रीजन सिगरेट का एक नया कैंपेन शुरू किया है। एक स्लोगन है, रीजन टेस्ट गुड लाइक ए सिगरेट शुड। कैसा है? अभी भी बनाया है। अच्छा है। ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, ये कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इसकी वजह से मुझे सोचने में हेल्प मिलती है। हम लोग किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब यहां हमेशा के लिए नहीं आए हैं। अब सो सॉरी, एक आइडिया है, हो सकता है किसी काम का हो। क्यों ना हम इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही हैं और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम सब एक एक दो दो मिनट ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। मेरा ये ठीक ना हो तो रहने दीजिए, मैं तो बस यूं एक बात। अच्छा आइडिया, हम सब लोग अपनी अपनी बारी से बोलते हैं, क्यों साहब, ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, अब जल्दी से शुरू कर डालिए। चलिए तो ठीक है, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझसे? नहीं 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 नहीं, हमें सीरियल ऑर्डर में शुरू करना चाहे, नंबर से। हाँ ये ठीक है, हम लोग अपने अपने नंबर से बोलते हैं, सबके पास दो दो मिनट का वक्त है। आप बोलिए, आपका नंबर है। मेरा? हाँ। मैं क्या कहूँ? कुछ भी नहीं, वो दरअसल शब्दों में कहना बहुत कठिन है, लेकिन मेरे विचार से लड़का दोषी है। किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया। किसी को और कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है, साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता है, यही कानून है। वो तो ठीक है, मेरा मतलब बस यही था कि मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। मेरा मतलब कि किसी से खून करते हुए देखा और अलाजा बस ठीक है, काफी है, बैठिए जी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा बिना किसी जाति जज्बात के। मैं सिर्फ सबूतों की बातें करूंगा जो कि अदालत में पेश किए गए थे। सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता, ठीक उस खोली के नीचे जिसमें कत्ल की वारदात हुई। कल की रात को 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। उसका कहना है कि आवाजें उसे लड़ाई झगड़े की आवाजें लगी। उसके बाद उसने लड़की की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके एक सेकंड बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, बाहर झांका और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा। उसने देखा, उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो कि इस लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू खुपा हुआ। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए जनाब, ये कुछ सबूत हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि उस लड़के की उम्र सिर्फ 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतना पड़ेगी। अच्छा, लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है मुझे निहायत कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि सिर्फ 1 घंटे बाद ही उसे यह भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन कौन काम कर रहा था। अलावा इसके ऐसा भी कोई गवाह नहीं है जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पार बिल्कुल सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही है इस कत्ल की चश्मदीद गवाह। भाई अपनी अपनी बारी से बोलिए। एक मिनट, एक औरत है जो बिस्तर पर लेटी हुई है और जिसे नींद नहीं आ रही गर्मी की वजह से। वो खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है, और ये सब उसने एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के बीच में से देखा। जी, कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि ये वही लड़का है? वो औरत इस लड़के को अच्छी तरह जानती है, बरसों से पहचानती है।
इस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के पार उस औरत के मकान के बिल्कुल सामने है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर बयान दिया है कि उसने इसे चाकू मारते हुए देखा है। एक सेकंड, अदालत में एक चीज और भी साबित हो चुकी है। अगर डिब्बों की रोशनी बुझी हुई हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है वो आसानी से देखा जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछिए। उस लड़के की बात का आप यकीन नहीं करते हैं जी, तो इस औरत का यकीन कैसे करते हैं? वो भी तो उसी तबके की है जिसका क्यों लड़का है ना? आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, आप शिकायत देता हूं, आप अपने खलीफा बन कहीं और जाके झाड़िएगा। अरे वरना मैं आपकी हालत बिगाड़। अरे भाई छोड़िए, इन साहब की बातों से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? खा मखा है, चलिए बैठ गए यहाँ पर। भाई आप लोग इसे झाड़िए मत। अच्छा चलिए आप बोलिए, सिर्फ दो मिनट। मुझे कुछ नहीं कहना, आपकी मर्जी। आप मुझे वैसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वो भी कहना कहिए। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे तो शुरू से यकीन सा होना शुरू हो गया था। उस मंजिल, उस बिल्डिंग के उसी मंजिल पर रहने वाले जो पड़ोसी हैं, उन्होंने जो गवाही दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब शाम को, बाप बेटे में काफी झगड़ा वगैरह भी हुआ था, शायद 7 बजे। मैं गलत हो सकता हूं? 7 नहीं 8 बजे। बिल्कुल ठीक, 8 बजे। उसी मंजिल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था, बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। हाँ। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाजें सुनी जो बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर जाते देखा। इससे क्या साबित होता है? साबित तो वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बात भी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैं बस ये बताना चाहता था, मैंने ये तो नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद आप ये बताना चाहते हैं कि इसे कत्ल की वजह जाहिर होती है। वेल, मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये सब बातें उसके लिए बिल्कुल आम हो चुकी हैं, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। यू आर राइट, हो सकता है ये वो आखिरी 2 थप्पड़ों जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है। हाँ भाई, और कुछ? जी नहीं। अब आप बोलिए। मैं? जी, सीरियल ऑर्डर में। ओ मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। आप यूं चाहे तो जिंदगी पर बात करते रहिए, बात वही रहेगी। मेरा मतलब है कि लड़का कसूरवार है। आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर पर पत्थर मारा और उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई थी। 15 साल की उम्र में उसे क्या कहते हैं, सुधार गृह, हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में बंद किया गया था। फिर इसने कार चुराई, कई दंड फंद किए, चाकूबाजी में उस्ताद है, यह तो उन्होंने बताया था। अब देख लीजिए कितना काबिल और भला है आपका यह लड़का। 5 साल की उम्र से अब तक उसने अपने बाप से मार खाई, रोजाना बिलानागा, और एक आध थप्पड़ नहीं, बाप उसे घूंसे मारता था। उसकी जगह मैं होता ना, मैं भी यही करता ऐसे कमीने लड़के के साथ। क्या आप उस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस मारपीट की वजह से ही वो एक गुस्सेवर और झगड़ालू लड़का बन गया। आजकल के सारे लड़के ऐसे हो गए, गुस्सैल और झगड़ालू, पूरी की पूरी नस्ल। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। सुनिए साहब, इतने बदतमीज हो गए हैं लोग कि इन लोगों को बात तक करने की तमीज नहीं। जब मैं इस लड़के की उम्र का था तो अपने पिता से आग तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। आजकल के मिलेगा आपको ऐसा है? आजकल के पिता शायद अब इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। है? जरूरत महसूस नहीं करते? आपके बाल बच्चे हैं? जी हाँ, 2। हाँ, मेरा भी एक बेटा था जो। मुझे लगता है कि हम लोग एक बार फिर बेमतलब की बात करने लगे। सीधी सी बात यह है कि हम यहां यह फैसला करने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं किया है, उसकी परवरिश कैसे और कहां हुई, इसके कारण ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। उसकी परवरिश एक निचले और पिछले तबके में हुई है, इस बात को हम बदल नहीं सकते हैं। इस माहौल में सिर्फ अपराध और अपराधी जन्म लेते हैं, यह मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। मेरी बारी,
मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मुझे ये समझाएंगे कि वो लड़का कसूरवार क्यों है। यही तय हुआ था जी हाँ। ये केस ही राइट यही तय हुआ था जी हाँ जी हाँ। आई एम सॉरी मैं भूल गया था। आप ठीक कह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो है जिनकी वजह से हम सब यहाँ फंसे पड़े हैं। इन्हीं से क्यों ना पूछे जाए कि क्या चाहते हैं? एक मिनट रुके रुके, हम एक बात तय कर चुके हैं, कायदे से उसी हिसाब से चलें। कौन सा कायदा, कैसा कायदा, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? बच्चों वाली? सुनिए मिस्टर, क्या मतलब क्या इसका? क्या का मतलब क्या? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली। ये सब जो मैं संभाल रहा हूँ आपको बचपना दिखाई दे रहा है? ठीक है, आप आना चाहते आप आ जाइए, संभालिए सब, आइए आइए। हाँ आप खामखा गर्म क्यों हो रहे हैं? बैठिए अपनी जगह पे आराम से। आप मुझे मेरी जगह मत बताइए। ये रही कुर्सी, ये आइए आइए बैठिए और संभालिए। पता नहीं क्या समझ रखा है, बहुत अच्छे से संभालेंगे आप। आइए बैठिए, देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं आप। आइए। हाँ दो गई यार, कभी देखा ऐसा? क्या समझते हैं आप, यहाँ पर मजाक हो रहा है? अजी छोड़िए अभी, क्या बच्चों वाली, सॉरी, बहुत मामूली सी बात। मामूली सी बात? आप आना चाहते हैं आप आ जाइए। जी बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैंटास्टिक, आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं, बैठे ना प्लीज। अरे साहबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जमे रहिए जमे रहिए, बैठे भी। क्या मुसीबत है। मैं जो महसूस करता हूं उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं? आपको जो करना है कीजिए, उसे मुझे कोई मतलब नहीं। अरे मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता रहा हूं, सारे सबूत और गवाहियां सुनता रहा हूं। इस मामले में हर एक आदमी इतना निश्चित, इतना श्योर लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि इतना निश्चित, इतना श्योर कोई कैसे हो सकता है? हो सकता कि मेरे इस शक का कोई मतलब ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक एहसास होने लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, छोटी छोटी बातें। कौन सी छोटी छोटी बातें? आपको पता है ये लोग छोटे मोटे सवाल तो पूछते नहीं, क्योंकि उनके जवाब तो इनको पहले से ही पता होते हैं, और फिर डर भी तो होता है कहीं उनको पूछने से कहीं कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ, इट्स पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनों से हो चुकी है। मैं बार बार अपने आप को इस लड़के की जगह पर रखकर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं एक दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। देखिए प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद सिर्फ दो गवाहों पर टिकी हुई है, मान लीजिए वो गलत हो तो। एक मिनट, मान लीजिए वो गलत हो तो इससे क्या मतलब है आपका? फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? वो सिर्फ इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, क्या वो गलत नहीं हो सकते? नो आई डोंट थिंक सो। क्या आपको निश्चित तौर पर मालूम है कि वो गलत नहीं हो सकते? वेल नाउ लिसन, कोई भी आदमी इतना निश्चित नहीं हो सकता, ये कोई साइंस नहीं है जहां हर चीज निश्चित होती है। बिल्कुल ठीक, ये कोई साइंस नहीं है जहां हर चीज निश्चित होती है। अब जरा सबूतों की बातें कर ले हम लोग। उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो उस लड़के के बाप के सीने में घुपा हुआ था, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हैं भाई साहब एक मिनट, मेरे विचार से भी बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा ये हो कि वो भी इसको जो कुछ कहना होगा खुद ही कह लेगा, आप चुप रहिए। अरे हाँ, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो आपके इस भूले भाले नन्हे मुन्ने लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था और अदालत में इस बात का इकरार भी किया था, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? हैं ठीक है, उसी की बात करते हैं। वो चाकू यहां मंगवाते हैं और एक नजर देखते हैं। वो चाकू मंगवाइए प्लीज। वो चाकू क्या भाई है? चाकू सुनिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसे दोबारा देखने की क्या जरूरत है, हम सब लोगों ने अच्छी तरह देखा हुआ है। क्या ख्याल है आपका? सबूत के तौर पर मुकदमे में जो चीजें पेश की जा चुकी हैं उन्हें देखने का इन्हें पूरा हक है। बहरहाल अब आइए जरा एक एक करके उन सबूतों पर भी गौर करें जो मुकदमे में हमारे सामने पेश आए। नंबर एक, लड़का इस बात के लिए इकरार कर चुका है कि कत्ल वाली रात वो 8 बजे घर से बाहर निकला अपने बाप से झगड़कर। झगड़कर नहीं, उसने कहा था बहुत मार खाकर। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क है। ओके, अपने बाप से बहुत मार खाकर, ठीक है। नंबर दो, घर से निकलकर ये लड़का सीधे उस दुकान पर पहुंचा जहां उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। स्विच नाइफ, बिल्कुल ठीक, स्विच नाइफ। नंबर तीन, ये स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू कोई मामूली चाकू नहीं है, इसे आप देख चुके हैं। नंबर चार,
वो दुकानदार जिसने ये चाकू इस लड़के के हाथों बेचा था अदालत में उसे पहचान चुका है। उसका यह भी कहना है कि इस किस्म का चाकू उसके पास सिर्फ एक ही था और इससे पहले या इसके बाद ऐसा चाकू कभी उसके पास आया ही नहीं। नंबर 5, रात को तकरीबन 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात एक होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई। मैं ठीक हूं ना? जी हाँ, शर्फिया ठीक है। आप जरा गौर से सुनिए इनकी बात, इन्हें मालूम है बात किस तरह से कही जाती है। जी हाँ। हाँ, तो इस लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से हुई। 9:45 तक तकरीबन 1 घंटा ये लड़का अपने दोस्तों के साथ रहा। इस दौरान इन 3 लोगों ने उसके पास ये चाकू देखा था। नंबर 6, इन 3 लोगों ने उस चाकू को अदालत में पहचाना है और यह भी इकरार किया है कि यह वही चाकू था जो उस रात इन 3 लोगों ने उस लड़के के पास देखा था। नंबर 7, रात के करीब 10 बजे ये लड़का अपने घर पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि वापस आने के बाद वो 11:30 तक घर पर ही रहा, उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने के बाद जब वो वापस आया तो रात के करीब 3:45 का वक्त था। वापस आकर उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाँ, इस बीच उस चाकू का क्या हुआ? इसके लिए लड़के ने अपनी तरफ से एक छोटी लेकिन निहायत ही खूबसूरत और मासूम कहानी ईजाद कर ली कि उसकी जेब फटी हुई थी और इसी फटी हुई जेब से फिल्म के लिए जाते या आते वक्त वो चाकू रास्ते में कहीं गिर गया, जिसे दोबारा उसने कभी देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी बहुत कमजोर कहानी है। नाइट शो फिल्म रात के करीब 9:30 या 10:30 शुरू होती है। ठीक है, लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म लंबी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 1:30 तक खत्म हो जाती है। सिनेमा हॉल से आराम के साथ पैदल चलकर यह लड़का 2:15 या बहुत ज्यादा 2:30 तक अपने घर पहुंच सकता था, लेकिन वो 3:15 अपने घर पहुंचा। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गया, इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था, चाकू ढूंढता रहा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यह बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं। सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर उसे किसी ने देखा नहीं। फिल्म का नाम क्या था उसे याद नहीं। फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं। जो कुछ हकीकत में हुआ वो इस तरह से हुआ होगा, लड़का उस रात घर पर ही था, बाप के साथ उसका एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने बाप के सीने में चाकू मार दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रही कि चाकू के हत्थे से उसने अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए हैं। थैंक यू। मेरा ख्याल से बात तेज है। शुक्रिया। इस मुकदमे से जुड़े हुए हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप बताइए, क्या आप यह कहेंगे कि ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से कहीं गिर गया, राह चलते हुए किसी अजनबी ने इसको उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया? जी नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह मुमकिन है कि उस लड़के की जेब से वो चाकू सचमुच कहीं गिरा और किसी और ने बिल्कुल वैसे ही चाकू से उसके बाप का कत्ल किया। यह हो सकता है। आप सब देखिए, जरा गौर से देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना ही उस दुकानदार ने जिसने इसे लड़के के हाथों बेचा था। उसी रात को ऐसा ही चाकू कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन नहीं भी सकता है। और मैं कहता हूं कि यह मुमकिन नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है?
ये चाकू आपको कहां से मिला? कल रात मैं यूं ही टहल रहा था, सोचता हुआ। टहलते टहलते मैं इस लड़के के इलाके की तरफ चल पड़ा। उसी इलाके में मुझे ये एक छोटी सी दुकान में मिला, 30 रुपए में। आप जानते हैं कि ऐसा चाकू बेचना या खरीदना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इससे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं एक ही जैसे। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब क्या? ये बिल्कुल वैसा ही चाकू है, तो इससे क्या हुआ? बहुत बेहतरीन मार लिया तुमने क्या? लाखों में मुश्किल से एक बार ऐसा हो। सुन लिया? लेकिन मुमकिन है। लेकिन आयन मुमकिन नहीं। बैठिए सब लोग, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। चलो यार, खत्म करो जल्दी। वैसे ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपको लगता है इससे कुछ साबित हो गया? नहीं, मैंने तो एक बात कही थी। देखिए, आश्चर्य की बात। अरे अच्छा, ये बताइए, आपके इस मासूम बच्चे ने ये चाकू खरीदा क्यों था? उसका कहना ये था, मुझे मालूम है उसका क्या कहना है। आपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था उसने। बस अच्छा ये बताइए, उसने ये चाकू कब खरीदा था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद, और 3.5 घंटे बाद वही चाकू उसके बाप के सीने में आधा घोपा मिलता है। अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था, लेकिन देखना चाहता था कि थौर तीस है कि नहीं। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहिए। ये उन सवालों में से एक है जो मैं अदालत में पूछना चाहता था। अगर लड़की ने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था, तो कत्ल से सिर्फ 2 घंटे पहले उसने अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? यह सब बकवास है, लड़के ने झूठ बोला है और ये आपको भी मालूम है। हो सकता है उसने झूठ बोला हो, आपका क्या ख्याल है? क्या बेवकूफी का सवाल है, बेशक उसने झूठ बोला है। आप भी सोचते हैं कि उसने झूठ बोला है? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब आप जानते हैं, उसने झूठ बोला है। आप भी सोचते हैं कि उसने झूठ बोला है? नहीं, मुझे लगता है शायद शायद रुकिए, रुकिए जरा एक मिनट। सुनिए साहब, आप हैं कौन? हैं लड़के के वकील हैं, रिश्तेदार हैं, हैं खामखा यहाँ सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया है आपने? सुनिए मिस्टर, अभी भी हम 11 लोग हैं यहाँ पर, जिनका एक ही फैसला है कि लड़का कसूरवार। हाँ, यहाँ पर किसी का दिमाग नहीं बदल सकते आप, लेकिन अगर आप इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहना चाहते तो अड़े रहिए, यहाँ फैसला हो नहीं पाएगा। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आप चाहते क्या है, रात भर यहीं बैठे रहे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होगी, लेकिन लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाइयों, किसी के पास ताश की गड्डी है? I need a game of patience. मेरी समझ में नहीं आ रहा चाकू वगैरह का मतलब क्या है। बस सीधी सी बात है, एक लड़के को अपने बाप का खून करते हुए किसी ने देखा है, और क्या सबूत चाहिए आपको? खामखा बहस किए जा रहे हैं, वहां धंधा चौपट हो रहा है मेरा, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है इस केस में, पूरा एक दिन तो इसी पर खर्च किया सरकारी वकील। सरकारी वकील, सरकारी वकील, सरकारी वकील चीज क्या है? जो मुझे 8 दिन की वकालत है उसकी, क्या जानता है वो? 50 बाय 60 असिस्टेंट है, क्या जानता है वो? आप सब लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की जाए। मैं हिस्सा नहीं लूंगा, सिर्फ आप 11 लोग वोट डालेंगे, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर आप भी कसूरवार के पक्ष में 11 वोट आते हैं, तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम सब अभी कसूरवार का फैसला लेकर अदालत के सामने चले चलते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी वोट बेकसूर के लिए आया, तो हम सबको यहीं बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। कहिए आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है, पहली बार आपने एक समझदारी की बात की है। बोलिए, सब तैयार है? किसी को कोई एतराज तो नहीं? नहीं, 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 कसूरवार साथ हो गए प्लीज। कसूरवार, 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 बेकसूर। दिखा दिया ना किसी ने अपना हरामी पन्ना। कौन है ये गद्दार, बताइए, मैं जानना चाहता हूं। सुनिए, ये वोटिंग सीक्रेट थी, मैं आपको नाम नहीं बता सकता। सीक्रेट क्या मतलब? क्या है सीक्रेट? मुझे मालूम है कौन है वो आदमी,
वाह, क्या कमाल दिखा दिया आपने। सबसे पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दिया है, उसके बाद अचानक एक बहुत बड़े बड़े महान समाज सुधारक की बातें सुनकर कि ये मासूम बच्चा कितना गरीब कितना दुखी कि बेचारे को मजबूर होकर कातिल बनना पड़ा, आपका दिल रो उठा, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और अचानक आपने अपना वोट बदल दिया। यार लीजिएपन की भी तुम आदमी हो या इसके समाज सुधार फंड में चंदा क्यों नहीं दे देते तुम? जरा रुकिए, जरा तुम से बात कीजिए, समझे? सारी बातों का किसी किसी आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा बिल्कुल आएगा गुस्सा, यहाँ हम एक कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ के वो लायक, और अचानक यहाँ पर किसी का भाषण शुरू हो जाता है थोड़ा सा और हम सब लोगों को सुनना भी पड़ रहा है तो मुझे गुस्सा भी आएगा। चलिए छोड़िए भैया। अरे क्या छोड़िए, यहाँ तो कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है जो कल सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देगा। मैं तो कहता हूँ कि उसका चाकू से वापस कर दें ताकि उसे कोई परेशानी भी ना हो, उसका काम और भी आसान हो जाएगा। नहीं अभी चिल्लाना बंद कीजिए, खामोश हो जाइए। हाँ भाई, कोई और कुछ कहना चाहता है? माफ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर एक इंसान को, चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का या फिर भारत में कहीं भी रहता हो, उसे अपनी कैसी भी राय रखने का हक है। ये आजादी उसे संविधान ने दी है क्योंकि। आप क्या कहना चाहते हैं, लड़का बेकसूर है? जी नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। अब जैसे कि हमारे तमिलनाडु में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि। ओफो, कहां भटक रहे हैं आप? यहां कोई नॉर्थ साउथ का कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है, बैठ जाइए। आपने अपना वोट क्यों बदला? आपको कैसे मालूम कि मैंने अपना वोट बदला? आपकी बातों से साफ जाहिर होता है। जनाब आदिल, वोट उन्होंने नहीं मैंने बदला है। क्या आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं नहीं जाना चाहूंगा उसकी वोट दो। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको इसकी वजह। जबरदस्ती क्या ये नहीं सुनना चाहते? कोई बात नहीं, आप बताइए प्लीज। शुक्रिया जी साहब, हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है, लेकिन शायद ये अभी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है, इन्हें कहीं कोई शक नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है इतने सब आदमियों के खिलाफ अकेले खड़े होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है, भले किसी अच्छे काम के लिए हो। इन्होंने एक जुआ खेला एक सहारे की तलाश में जो मैंने इन्हें दिया। क्या? इनके मकसद का मैं एहतराम करता हूं। मेरी नजर में लड़का शायद अब भी कसूरवार में, लेकिन मैं कुछ और बातें भी जानना चाहूंगा। तो फिलहाल वोटिंग की सूरत हाल 10-2। शिट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपको कोई हक नहीं इस तरह से चले जाए। वो नहीं सुन सकते, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। आइए बैठिए। थैंक यू। अगर आपका यह भाषण समाप्त हो गया तो हम लोग आगे बढ़ें। नहीं जनाब, थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक साहब अंदर उन्हें वापस आने दीजिए। ओके। सॉरी, शुक्रिया, आप दीजिए। क्या आप सेल्समैन हैं? जी नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूं। ओ, वैसे शक्ल से तो आप सेल्समैन ही नजर आते हैं, काफी धीरज है आप में, बर्दाश्त भी बहुत है, लेकिन मेरी टेक्निक दूसरे किस्म की है। पार्टी, जोक्स, ड्रिंक्स, और जब सब बड़े बड़े असामी नशे में धुत हो जाए तो उनसे धंधे की बात करो, दस्तखत कराओ और सालों की छुट्टी कर दो। पिछले साल मैंने 1,80,000 का बिजनेस किया है, कैश में कार्पेट्स। कीप इट, रख लीजिए। एक्सक्यूज मी, ओह सॉरी। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां पर अपना सर क्यों खपा रहे हैं? मजा आ रहा है क्या? लड़का कसूरवार है दोस्त, सबको अपने अपने घर जाने दीजिए, यहां बैठे बैठे मेरी कमर टूट रही है। यहां बैठे बैठे टूटे या सिनेमा हॉल में, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां फंस गए?
आप जरा श्योर प्लीज और कितनी देर लगेगी हम लोगों को पता नहीं सिगरेट जी नहीं आपको लगता है कि लड़का बेकसूर है पता नहीं हो भी सकता है लड़का कसूरवार है आपको मान लेना चाहिए आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस लड़के की जगह अपने आप को रखकर सोचिए देखिए सोचने की मुझे आदत नहीं है मैं बहुत मामूली आदमी हूं किसी का नौकर सोचने काम मालिक करता है लेकिन चलिए हम सब ने मान लिया कि लड़का बेकसूर है लेकिन अगर उसने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया हो तो आइए बैठिए सब हम शुरू करते हैं ठीक है सर बैठिए आइए ना प्लीज थैंक यू लगता है अब तो रात का भोजन भी यही हो जाएगा प्लीज बैठिए हाँ भाई सब बैठिए हम शुरू करना चाहते हैं बोलिए कौन शुरू करना चाहता पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा अच्छा ये रहेगा कि सॉरी आप बोलिए नहीं नहीं देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था प्लीज आप नहीं कोई ऐसी बात नहीं प्लीज प्लीज बोलिए आप थैंक यू दरअसल मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत मामूली सी बात है लेकिन खैर जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मकसद है पिटाई वगैरह का लेकिन मान लीजिए कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया तो किसने किया क्यों किया उसके पास कत्ल का क्या मकसद था मेरा मतलब कोई भी यूं ही उठकर बिला वजह किसी का कत्ल करने नहीं पहुंच जाता सिवाय किसी पागल के मेरे ख्याल से यह भी एक पॉइंट है हम लोग यहां सिर्फ इस बात का फैसला करने बैठे हैं कि यह कत्ल उस लड़के ने किया है या नहीं किया है किसी और ने किया और क्यों किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं ये जानना पुलिस का काम है इन साहब का पॉइंट काफी दुरुस्त है लड़के के बाप का कत्ल हुआ है अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर और किसने किया है फिल्म स्टार दिलीप कुमार ने आप उस आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूं मुझे नहीं लगता इस किस्म के घटिया मजाक की कोई जरूरत है अगर आप लोगों के पास बात करने के लिए लतीफों के अलावा कुछ नहीं है तो खामोश बैठिए और सुनिए माफ कीजिएगा मैंने तो यूं ही जरा सी स्टीम छोड़ी थी आई एम सॉरी आप प्लीज बात आगे बढ़ाइए हाँ तो शायद आप बता सकें कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया था मुझे मालूम नहीं लेकिन लड़के का बाप सही मायनों में कोई अच्छा आदमी कोई आदर्श नागरिक नहीं था एक बार उसे जेल हुई उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी और ज्यादातर वो हारता था शराब बहुत पीता था और पीकर लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था एक बार एक झगड़ा किसी औरत के पीछे हुआ जिसमें उसने किसी का हाथ तोड़ दिया बहरहाल वो एक जालिम वैश्य किस्म का इंसान था जिसने जिंदगी में कभी भी कहीं भी 6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती हैं उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से एक हो सकता है जो उसके साथ जेल में थे कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके साथ उसका कभी झगड़ा हुआ हो शराब के पीछे जुए के पीछे औरत के पीछे कोई भी हो सकता है ओफो क्या लफाजी है हमें पता है उसका बाप एक बेकार किस्म का आदमी था लेकिन उसकी कहानी क्यों सुना रहे हैं आप मैं नहीं सुना रहा मुझे सवाल किया गया है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं इन साहब ने इनसे डायरेक्ट सवाल किया था डायरेक्ट हर आदमी वकील बना हुआ है मेरा एक और ख्याल है आपका सिर्फ ख्याल है लेकिन जो असलियत है फैक्ट्स हैं उनका क्या होगा अच्छा आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए वो बूढ़ा जो नीचे रहता है उसका कहना है कि उसने इस लड़के के गुस्से भरी चीख सुनी मैं मार डालूंगा तुझे उसके 1 सेकंड के बाद उसे धम से किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी उसके 15 सेकंड के बाद उसने इस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा इस सबका क्या मतलब निकालेंगे आप किसी आवाज को पहचानना इतना आसान नहीं है खासतौर से चीखती हुई आवाज को यकीनी तौर से पहचानना वो भी नीचे वाली मंजिल से क्या आपको नहीं लगता कि उस बूढ़े से गलती हो सकती है उसने ऊपर से आती हुई कोई आवाज सुनी और फौरन तय कर लिया कि आवाज उसी लड़के की कमाल है बूढ़े ने लड़के के बाप के गिरने की आवाज सुनी उसके 15 सेकंड बाद लड़के को भागते हुए देखा बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा एक मिनट और उस सामने वाली औरत को भी ना भूलिए उसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा उसने देखा क्या यह आपके लिए काफी नहीं है कहिए फिलहाल नहीं मेरे लिए काफी नहीं है हद हो गई यार लगता है किसी डेड फोन पे बात कर रहे हैं हम एक सेकेंड उस औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा था
एक गुजरती हुई रेलगाड़ी की खिड़कियों से। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे और आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने उसे देखा था। उसे इतनी छोटी छोटी मामूली चीजें याद रही। अब कम से कम मेरी समझ के बाहर है कि आप किस बात पर बहस करना चाह रहे हैं। बताइए, इस बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं, मुझे कुछ जम नहीं रहा। क्या? तो ठीक है, जब जम जाए तो बता दीजिएगा। आप राउंडर्स खेल रहे हैं? जी हाँ। ये लीजिए। क्या कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट से लीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी! अरे बैठे बैठे, यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा। आप अपने आप को समझते क्या है? मजाक हो रहा है ये आदमी? जब से एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। आप चलिए अपनी जगह में बैठिए। छोड़िए जरा, ये समझता क्या हमने आपको? प्लीज, मैं आपको झगड़ा नहीं चाहता। जरा हिम्मत तो देखिए इसकी। एक छापा मारूंगा तभी अच्छा हो जाएगा तुम्हारे। समझे तुम? चलिए प्लीज बैठिए। अरे श्रीमान आइए बैठिए। अच्छा चलिए, बात खत्म हो गई। क्या बात खत्म हो गई? माफी मांगवाई इनसे। ठीक है, मांग ली माफी। बैठिए। हाँ बैठिए प्लीज। हाँ, वो लोकल ट्रेन वाली ये बात क्या कर रहे थे, जरा वो भी सुन लेते हैं। शुक्रिया। क्या कोई बता सकता है कि एक औसत रफ्तार से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? अब इससे क्या होगा? कितना वक्त लगता है जरा अंदाजा लगाइए। मुझे नहीं मालूम। आप? मुझे नहीं पता। आप कुछ कहेंगे? मुझे पता नहीं, यही कोई 10 या 12 सेकंड। आपका अंदाजा काफी सही है। कोई और? कमाल है, अब ये नहीं शुरू हो गया बच्चों का खेल? मेरे विचार से अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और वो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो करीब 15.34 सेकंड ठीक बैठेगा। ओ चलिए 15 सेकंड माने लेते हैं, लेकिन आप मतलब की बात कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? 9 डिब्बों वाली एक लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। अब मान लीजिए वो खास पॉइंट उस कमरे की खिड़की है जिसमें कत्ल की वारदात हुई। ये जगह हम सबने देखी, ये कमरा रेलवे लाइन के बहुत नजदीक है। ठीक ठीक। अच्छा, क्या आप में से कोई शख्स रेलवे लाइन के इतने नजदीक रहा है? जी हाँ, मैं। हमारा ये हाउस पेंटिंग का धंधा है तो इसी सिलसिले में करीब 3 दिन रहा मैं वहां। क्या वहां शोर वगैरह होता है? हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े दिनों में आदत हो ही जाती है। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के इतने नजदीक रह चुका हूं। जब ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस कदर शोर होता है कि बर्दाश्त करते नहीं बनता। जी हाँ। अपनी आवाज खुद को नहीं सुनाई पड़ती? अच्छा ठीक है, नहीं सुनाई देती, लेकिन इसका मतलब क्या? बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। पहली गवाही उस बूढ़े की जो नीचे रहता है, उसका कहना है कि उसने लड़के की आवाज सुनी। मैं मार डालूंगा तुझे। और उसके 1 सेकंड बाद किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी, 1 सेकंड बाद। ठीक ठीक। दूसरी गवाही उस औरत की जो रेलवे लाइन के उस पार रहती है, उसका दावा है कि गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने कत्ल होते देखा है। आखिरी 2 डिब्बे। ठीक हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी हम सब ने मान लिया कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। चूंकि उस औरत ने यह वारदात ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू देखी, तो हम मान सकते हैं कि जिस वक्त ट्रेन वहां से गुजरी उसी वक्त लड़के का बाप फर्श पर गिरा। इसका मतलब यह हुआ कि फर्श पर गिरने से पहले तकरीबन 10-12 सेकंड लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उस बूढ़े की खिड़की के नजदीक से गुजरी। बूढ़े आदमी की गवाही के मुताबिक मैं मार डालूंगा तुझे आवाज और उसके फौरन बाद किसी के फर्श पर गिरने की आवाज उसे उसी वक्त सुनाई दी जब वो लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उसकी खिड़की के नजदीक से गुजर रही थी। जिया। आपको याद होगा जब हम उस कमरे में गए थे एक लोकल ट्रेन गुजरी थी। इतने शोर में यह मुमकिन नहीं है कि बूढ़े को कुछ सुनाई दिया हो। क्या बेवकूफी की बात है, उसे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। आपको यकीनी तौर से लगता है कि उसे कुछ सुनाई दिया होगा? बिल्कुल, बूढ़े का कहना है लड़के ने चीख कर कहा था। हाँ, चीख कर। अगर उसने कुछ सुना भी होगा, लेकिन ट्रेन के शोर में उसने आवाज पहचानी नहीं होगी। ये तो बिल्कुल बात की खाल निकालने वाली बात है कि 1-1 सेकंड की बात की जा रही है, कोई भी इतना निश्चित नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है उसे इतना निश्चित, इतना एक्यूरेट होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। मेरा भी ये ख्याल है, इतने शोर में वैसे भी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। देखिए क्या पागल हो गए आप लोग। जी वो पूरा झूठ क्यों बोलेगा, मतलब उसे क्या हासिल हो जाएगा? लोगों की नजर में शोहरत, अहमियत।
वाह वाह वाह, आपके मुंह से तो हमेशा जैसे गीता बहती। लिखकर भेज के नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। सुनिए मिस्टर, आप इनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? जानते हैं जब कोई शख्स किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह पेश आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपको कुछ तमीज होनी चाहिए मिस्टर। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? चलिए आप बोलिए, जो भी कहना चाहते हो। आपको क्यों लगता है कि बूढ़े ने झूठ बोला होगा? इसलिए कि मैं अदालत में उसे बहुत गौर से देखता रहा था। वो फटा हुआ कोट पहना था जिसकी सीवन यहां से उधरी हुई थी। गौर किया होगा आप लोगों ने, वो बहुत बूढ़ा था और बहुत धीरे धीरे चढ़कर किसी तरह अदालत में आकर खड़ा हुआ था। उसका बायां पैर ठीक नहीं था जिसे वो थोड़ा घसीट कर चल रहा था और शायद शर्मिंदगी की वजह से उसे छिपाने की भी कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज्यादा मैं उसे जान सकता हूं। वो एक बहुत ही मामूली डरा हुआ सहमा गुमनाम सा आदमी है जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहा, जिसे कभी किसी ने नहीं जाना, जिसका नाम कभी किसी अखबार में नहीं छपा, जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इतनी उम्र बीत जाने के बाद उससे कोई सलाम मांगने नहीं आता, किसी की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। इस तरह के आदमी के दिल में एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार तो उसकी बात सुनी जाए, उसे अहमियत दी जाए, और अगर ऐसा मौका मिल जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसे हाथ से निकल जाने दे। एक मिनट, एक मिनट, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला कि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए? मैं ये नहीं कहता कि उसने जानबूझकर झूठ बोला, लेकिन मुमकिन है कि उसने खुद को यह यकीन दिला दिया कि जो आवाज उसने सुनी वो लड़के की थी। और सुनिए, क्या आप भी इस वक्त वही नहीं कर रहे, अहमियत हासिल करने की कोशिश? मेरा ख्याल है ये बच्चों जैसा बर्ताव हमें बंद करना चाहिए। इस तरह से जाती जज्बात का मुजाहरा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि बूढ़े ने लड़के की आवाज मैं मार डालूंगा तुझे नहीं सुनी, लेकिन मान लीजिए साबित कुछ नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर हम मान भी लेते हैं कि बूढ़े ने मैं मार डालूंगा तुझे सुना है, तो भी ये इतनी आम सी बात है जिसे हम रोज मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर कल तुम मिलने नहीं आई डार्लिंग तो मैं मार डालूंगा तुम्हें, या फिर देखो बंटी अगर तुमने दोबारा हरकत की तो मैं मार डालूंगा तुझे, या कम ऑन कपिल देव किल हिम। इस तरह की बातें रोज हमारे मुंह से निकलती हैं, लेकिन हमारा मतलब सचमुच मारने से नहीं होता। सुनिए, उस लड़के का जुमला था मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने बात पूरी ताकत से गुस्से में चीख कर गई थी। जब भी कोई इस तरह से बात कहता है चीख कर, तो उसका वही मतलब होता है, समझे आप? मुझे अभी अभी याद आया, कुछ 10 दिन पहले दफ्तर में एक साथी से बहस हो रही थी तो उसने मुझे उल्लू का पट्टा कह दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि चिल्लाकर कहा कि मार डालूंगा। सुनिए सुनिए, बैठे बैठे ये साहब। हाँ ये साहब, हमें कुछ ऐसी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका किस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। उस लड़के ने कहा मैं मार डालूंगा तुझे, उसने मार दिया। पर मेरी बात तो छोड़िए, अरे उस बात कहीं का। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि वो लड़का इतना बेवकूफ है कि इस तरह की बात जोर से चीख कर कहेगा ताकि पास पड़ोस वाले भी सुन लें? मुझे तो लड़का काफी समझदार लगा। समझदार? वो साला अनपढ़ गवार। He don't even speak good Hindi. माफ कीजिएगा, He does not even speak good Hindi. अब ठीक है ठीक है, अंग्रेजी कौन सी हमारी मातृभाषा है? माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूं बेकसूर। आप सोच समझ के कह रहे हैं? जी हां, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं। सुनिए मिस्टर, आपके इस फैसले की बुनियाद क्या है? इन साहब की कहानियां, इन्हें तो चाहिए कि अपनी रचनाएं मनो और कहानियों में छाप दें, अच्छा पैसा मिलेगा वहां से। सुनिए मिस्टर, सारे फैक्ट्स आपके सामने खड़े हैं खंभों की तरह। हर आदमी का कहना है कि लड़के ने बाप को चाकू मारा, यहां तक उसका अपना वकील शुरू से आखिर तक चुप रहा क्योंकि उसे मालूम था केस में जरा भी दम नहीं। उसका अपना वकील, क्या तब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया? एक मिनट सुनिए सुनिए, ऐसा कई बार हुआ है कि फैक्ट्स के आधार पर किसी आदमी को कातिल मान लिया गया और उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि असली कातिल पकड़ा गया। ऐसी कई बातें हमें रोज अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे बात कर रहा हूं। अजीब आदमी बोलिए। सुनिए मिस्टर, लड़के का एक वकील था ना,
लड़के का केस उसने लड़ा था, आपने नहीं, तो फिर आप उसके बारे में इतना क्यों डरते हैं? वकील भी इंसान होते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं। अच्छी बात में ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था, तो उससे क्या होता है? इससे काफी कुछ हो सकता है। ये केस उसे दिया गया था, उसने खुद नहीं लिया था। इस केस में उसके लिए कुछ भी नहीं था, नाम नहीं था, पैसा नहीं था, यहां तक कि जीतने की भी कोई संभावना नहीं थी। एक नए नौजवान वकील के लिए इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं था। केस मजबूती से लड़ने के लिए वकील को अपने मुवक्किल पर विश्वास भी होना चाहिए, और ये विश्वास, जैसा कि आप खुद बता चुके हैं, उसे उस लड़के पर नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था, और किसी को हो भी नहीं सकता सिवाय आपके। माय गॉड, देखिए वक्त क्या हो रहा है। शिट। माफ कीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जिन्हें बेड़ा गर्क। अब भी पॉइंट्स? एक सवाल है जिसका जवाब मैं जानना चाहूंगा। कत्ल हुआ रात के 12:10 पर, फिर पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया रात के 3 या 3:15। सवाल यह है कि अगर इस लड़के ने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया था, तो वह 3 घंटे बाद उसी जगह पर वापस लौटकर क्यों आया? क्या उसे पुलिस का डर नहीं था? वो इसलिए वापस आया था ताकि अपना चाकू वहां से ले सके। इस तरह लोगों के सीनों में चाकू छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, बहुत गंदी बात है। अच्छे बच्चे तक कभी नहीं करते, खासकर अपने रिश्तेदारों के साथ। इसमें मजाक की कौन सी बात है? लड़का जानता था कि उसका वो चाकू कुछ लोग देख चुके हैं, जिसे बाद में अदालत में पहचान सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि वो चाकू पुलिस के हाथों में पहुंचे, लड़का उसे खुद हासिल करना चाहता था। अगर वो जानता था कि ये चाकू अदालत में पहचान लिया जाएगा, तो उसने उसे वहां छोड़ा ही क्यों? इसलिए कि कत्ल के बाद लड़का इतना ज्यादा घबराया हुआ होगा कि वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन बाद में जब इसका दिमाग कुछ ठंडा हुआ, तब उसे ध्यान आया कि घबराहट में वो चाकू वहीं छोड़ा है। एक सेकंड, आपकी इस घबराहट का मतलब क्या है? कत्ल के फौरन बाद उसका दिमाग इतना ठंडा था कि उसे बात अच्छी तरह याद रही कि उसने चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह साफ कर दिए। तो जरा बताइए, उसकी घबराहट किस जगह शुरू हुई और कहां खत्म हुई? सुरेंद्र, वो इसलिए अपना चाकू लेने आया था ताकि उसे ठिकाने लगा सके। 3 घंटे बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। अगर मैं वो लड़का होता और मैंने अपने बाप का कत्ल किया होता, तो मैं उस जगह वापस लौटकर कभी नहीं जाता। सुनिए, आपने कसूर आगे वोट दिया, आप हर किसी तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूं और ना ही इसकी कोई जरूरत समझता हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट, मेरे दिमाग में हमेशा एक नया आइडिया आता रहता है। मुझे लगता है उस लड़के की जगह अगर मैं होता, तो मैं तो वापस आता चाकू लेने के लिए। ये एक चांस होता, लेकिन लेता। उस लड़के ने भी यही सोचा होगा कि किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ी, और ना ही किसी ने अभी तक उस लाश को देखा होगा। आफ्टर ऑल, ये सारे घटना आधी रात घटी। उसने सोचा होगा कि सुबह होने से पहले तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं, माफ कीजिएगा, सामने वाली औरत का बयान था कि जैसे ही उसने कत्ल होते हुए देखा, उसके मुंह से जोर से चीख निकली और फिर वो पुलिस को इतला करने के लिए दौड़ी। तो ये चीख उस लड़के ने भी जरूर सुन ली होगी, और उसे पता चल गया होगा कि उसे खून करते हुए किसी ने देख लिया है। अब इसके बाद भी वो वहां वापस लौटकर कैसे आ सकता है, यह बात मेरे गले नहीं उतरती। 2 वजह हो सकती हैं। पहली यह कि घबराहट में उस लड़के ने वो चीज सुनी ही ना हो जो हो सकता है ज्यादा ऊंची ना रही, और दूसरी ये कि अगर उसने वो चीख सुनी भी हो सकता है अपनी हरकत से जोड़ा ना हो। भूलिए मत, ऐसी चीखो पुकार उस इलाके में रोजमर्रा की बातें हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। चलिए, ये रहा आपका जवाब। हो सकता है लड़के ने बाप का कत्ल किया हो और उसे सामने वाली औरत की चीख नहीं सुनाई दी हो सकता है वो घबराहट में घर से भागा और दिमाग ठंडा होने पर 3 घंटे बाद चाकू लेने वापस घर आया। हो सकता है ये सारी बातें ऐसी ही हो, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। मेरे ख्याल से हमारे पास काफी माखूज शक हैं, जिनकी वजह से यह तय कर पाना मुश्किल है कि कत्ल के वक्त वो सचमुच घर पर था या नहीं। ये क्या बकवास है, क्या कह रहे हैं आप? ये शख्स फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है, मैं सच कहता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, 12:10 पर नीचे वाले बूढ़े ने लड़के को घर से बाहर भागते हुए देखा था या नहीं? बताइए, देखा था या नहीं? उसने कहा था उसने देखा है। कहा था? यानी किसी का कुछ कहना आपके लिए कोई माने नहीं रखता? जिस बात पर आप यकीन करना चाहते हैं करते हैं, जिस पर नहीं करना चाहते उस पर नहीं करते, ये भी कोई तरीका है? लोग कोर्ट कचहरी में गवाही देने किस लिए आते हैं? हंसी मजाक उड़ाने, झक मारने? देखिए, यहां हकीकत को बदलने की कोशिश की जा रही है, बिना वजह गवाहों पर शक किया जा रहा है। गवाहों से गलती भी हो सकती है। जब आप चाहेंगे गलती भी करेंगे। अच्छा, अब इसे लाना बंद कीजिए। आप यही कहते रहिए, लेकिन मैं समझता हूं यहां इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत चिल्लाने की है।
अजीब भी तो कपन है, चीख सुनी थी चीख नहीं सुनी थी, उसने देखा था उसने नहीं देखा था, ये सब क्या है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी बातें हैं, जरूरी बातें, अहम बातें, उन्हें हम बुलाए बैठे हैं। आप सबके सब यहाँ, मैं यहाँ एक बार फिर से वोटिंग कर रहा हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर से वोटिंग की मांग की गई है। आइए चलिए बैठिए सब लोग, चलिए वोटिंग करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, इन साहब ने मांग की है। वक्त कितनी बर्बादी, मैंने कभी नहीं देखी। एक मिनट, मेरे विचार में सबसे आसान ये रहेगा कि निर्दोष के पक्ष की वोटिंग कर ली जाए। हाँ चलिए, जो लोग निर्दोष के पक्ष में है कृपया अपने हाथ उठाएं। एक दो और तीन। अभी भी वही स्थिति है, तीन निर्दोष नौ दोषी, और यही बनी रहेगी चाहे आप 36 साल तक झक मारते रहिए। माफ कीजिए, मैं अपना वोट बदल रहा हूं, बेकसूर। सुनिए, एक सेकंड जरा मेरी बात सुनिए, क्या हम सब लोग पागल हो गए? लड़का कसूरवार है, अफेक्ट्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? भाई साहब प्लीज प्लीज आप इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, यहाँ क्या मजाक हो रहा है? तो इसका मतलब हुआ 8 कसूरवार 4 बेकसूर। इस घटिया और निगम में लौटने के लिए सबका सब जैसे मरा टेरसा हुए चले जा रहे हैं। सुनिए साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपना वोट क्यों बदला, कम ऑन बताइए मुझे इसकी वजह। अपनी राय के बारे में मैं कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं समझता, मेरे जहन में कुछ माकूल शक उभरे हैं और मैं समझता हूं इतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक, ये सब लफाजी है। रुकिए जरा, देखिए देखिए जरा गौर से देखिए इसे। जिस लड़के के लिए अभी आपने बेकसूर का वोट दिया है, उस लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चेक करते हुए देखा गया। देखिए इसे गौर से, मिस्टर माकूल शक। जनाबे आदिल, ये वो चाकू नहीं है, भूल गए आप? वाह क्या बात है आपकी, हद होती है पागलपन की। आप पता नहीं मदारी की तरह कहां कहां से तरह तरह की चीजें निकाल रहे हैं, किस बात का यकीन करें हम? अगर कल दारा सिंह और इन साहब के बीच में कुश्ती का मैच हो जाए तो ये साहब कहेंगे कि ये जीतेंगे। माफ कर। अच्छा एक बात बताइए, हम उस बूढ़े का क्या करें? क्या हम ये मान लें कि वो बूढ़ा बिस्तर से उठा नहीं, उसने दौड़ का दरवाजा खोला नहीं और उसने उस लड़के को सीढ़ियों से उतरते भागते देखा ही नहीं? उसे ये सब बातें इसे कहें कि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए, शोहरत मिल जाए? जरा रुकिए एक मिनट प्लीज। क्यों, अब आप बोलिंग करेंगे? क्या उस बूढ़े ने यह कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था? अरे दौड़कर खोला हो, चलकर खोला हो, नाचकर खोला हो, इसे क्या फर्क पड़ता है, उसने दरवाजा खोला था बस। मुझे नहीं लगता कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला होगा। जहां तक मुझे याद है उसने कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा था। जी हाँ, उसने कहा था कि वो कमरे से उठा, दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना काफी नहीं है आपने? नहीं। अच्छा उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? क्यों आपको पता नहीं? हमें तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर चीज का आपको पता है। मुझे पता नहीं, मैं उस कमरे का नक्शा एक बार फिर देखना चाहूंगा। पूरा केस ही दोबारा शुरू करवा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। प्लीज वो नक्शा मंगवाइए। क्या भाई ये बात क्या है? सिर्फ आप ही हैं जो हमेशा हर चीज देखना चाहते हैं है? जी नहीं, इस बार मैं भी देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा वक्त बर्बाद ना किया जाए। एक मिनट देखिए साहब, अगर आप वो सारी बातें दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि लड़का सिनेमा देखने कब गया, वो लाश किस जगह पाई गई वगैरह वगैरह, तो मेरा ख्याल है ये महज एक वक्त। जी नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर हो, किस तरह से अपने बिस्तर से उठकर लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे गैलरी पार करके 15 सेकंड में सीढ़ियों तक पहुंच सकता है। उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड कहा था? उसने 20 सेकंड कहा था। आप खामखा इसमें भी हक में? उसने 15 सेकंड कहा था। उसे क्या मालूम 15 सेकंड कितने होते हैं? उसने 15 सेकंड ही कहा था और वो भी काफी दावे के साथ। दावे के साथ? वो एक सठाया हुआ पुठा है, आधी बातें तो उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी, दावे के साथ वो क्या कहेगा भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप साबित क्या करना चाहते हैं। उस बूढ़े आदमी का कहना है कि उसने लड़के को भागते हुए देखा था। जी, और उसका दावा है कि उसे सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब अगर कत्ल के फौरन बाद कातिल ने भागना शुरू किया, हो सकता है ना किया हो, तो उस बूढ़े का कहना है कि कातिल फौरन भागा था। वाह, बाल की खोल निकलने का कंपटीशन होना तो पहला इनाम आप ही को मिलेगा। सुनिए मिस्टर मशाल, आप ये आग उगलना बंद नहीं करेंगे? जी नहीं, यहां पर बैठने के लिए आपको जो पैसा मिलता है ना, उसके बदले में आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा मिस्टर डिस्टेंपर, एंड सिट डाउन। प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए छोड़िए आइए।
वो नक्शा आ गया आपका, आप जो भी करना है जल्दी करिए और खत्म कीजिए। थैंक यू। एक मिनट जरा पकड़िए, वो एक्स्ट्रा जरा लाइए। हाँ। जब ये तमाशा खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना भाई। हाँ, ये वो कमरा है जहां बूढ़ा सो रहा था। इस कमरे के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही कमरा है जहां वो कत्ल की वारदात हुई। ये रेलवे लाइन्स है, वो बूढ़ा यहां अपने बिस्तर में सो रहा था। चारपाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट। इसका मतलब हुआ वो बूढ़ा अपने बिस्तर से उठा, 10 फीट चला, दरवाजा खोला और गैलरी में आया। गैलरी से सीढ़ियों तक की दूरी है 40 फीट। मतलब उस बूढ़े ने 40 फीट का फासला तय करने के बाद उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते देखा। और ये सारा काम हुआ सिर्फ 15 सेकंड में। 19वीं बार दोहराई जा रही है कहानी। आपका क्या ख्याल है, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। उसकी चाल बहुत धीमी थी। हाँ। और उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए भी सहारा देना पड़ा था। आप ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे कि बहुत लंबा फासला है, जबकि ऐसा है नहीं। एक बूढ़े आदमी के लिए जिसके पैर पर लकवे का असर हो और जो छड़ी के सहारे चलता हो, ये काफी लंबा फासला है। ये क्या कह रहे हैं आप? जरा देखते हैं उसे कितना वक्त लगा होगा। इससे कुछ साबित नहीं हो सकता। अगर ये बात इतनी जरूरी थी तो लड़के के वकील ने क्यों नहीं उठाई? शायद उसके दिमाग में ना आई हो। अच्छा, तो आपका मतलब है वो आदमी इतना उल्लू था कि छोटी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई? क्या आपके दिमाग में आई थी ये बात? छोड़ो यार, मेरे दिमाग में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस वकील ने ये बात इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका केस कहीं और कमजोर ना हो जाए। अब बोलिए आप। ये भी हो सकता है कि उसने ये बात इस डर से ना उठाई हो कि अदालत की पूरी हमदर्दी उस कमजोर और लाचार बूढ़े के साथ होगी और ये बात लड़के के खिलाफ जाएगी। ऐसी बातें अक्सर वकीलों को टाल जाते हैं। फिर वो किस तरह का घोंचू वकील था, ये मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा देखिए, ये दो कुर्सियां, मान लीजिए कि ये बूढ़े की चारपाई है। मैं यहां से 10 फीट नापूंगा चारपाई से दरवाजे तक की दूरी चलकर, ठीक है? ठीक ठीक। एक डग 2 फीट समझिए, 1 2। क्या पागल हो रहा है आप? क्या दोबारा कर दिखाने वाली बातें? 5। क्या नाटक हो रहा है यहाँ पे यार? अजी उसे करने भी दीजिए ना मिस्टर। ये 10 फीट है, किसी को कोई एतराज तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ से 40 फीट नापूंगा गैलरी की लंबाई। मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा और वहां से यहाँ तक वापस आऊंगा। क्या पागलपन है, क्यों सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? आपके हिसाब से इसमें सिर्फ 15 सेकंड का टाइम लगता है, मेरे ख्याल से उतना टाइम दिया जा सकता है। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कुर्सी दीजिए जरा। श्योर। हियर यू आर, ये लीजिए। थैंक यू। ओके। अच्छा, किसी के घड़ी में सेकंड्स की सुई है? हाँ, मेरे पास है। ओके, देखिए, मैं यहां से उठूंगा जी, उस बूढ़े की छड़ी यही पास में कहीं होगी जी, मैं वहां से 10 फीट का फासला तय करूंगा। हाँ। उसके बाद ये 40 फीट। हाँ। राइट? हाँ, राइट। अब जब आप शुरू करना चाहें तो पैर से फर्श पर आवाज कर लीजिएगा। समझ लीजिए कि वो लड़के के बाप के फर्श पर गिरने की आवाज है। उसी पॉइंट से आप मुझे टाइम कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। सो जा राजकुमारी, सो जा। जिंदगी में ऐसी ड्रामेबाजी मैंने कभी नहीं देखी। मैं तैयार हूं। चलो शुरू करो यार। क्षमा कीजिए, मैं सुई के 12 पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलो चलो, वो इतना धीरे नहीं चलता था। वो इससे भी धीरे चलता था। लीजिए, मैं और तेज चलता हूं। ए, ए, बंद करो तमाशा है।
बस ठीक। कितने सेकंड सर? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और एक। पूरे 40 सेकंड्स। अब देख लीजिए। माय गॉड, यू आर रियली। मेरे ख्याल से जो हुआ वो इस तरह हुआ होगा। बूढ़े आदमी ने कुछ घंटे पहले बाप और बेटे का झगड़ा सुना, उसके बाद बिस्तर में लेटे हुए उसे ऊपर से किसी के गिरने की धमक और सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी। वो अपने बिस्तर से उठा, उसने सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की, उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने मान लिया कि वही लड़का है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये हो सकता है। मान लिया? सुनिए, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो कुछ यहां इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है उसकी तो मिसाल ही नहीं। जब से तुम इस कमरे के अंदर आए हो तुमने हम सबको परेशान कर रखा। अभी कहानियां सुना सुनाकर गरीबों के बारे में, नीचे तबके के बारे में, उनके दुख हरांसुओं के बारे में, और तुम्हें कुछ थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल हो रही है मिस्टर, क्योंकि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल अचानक रो उठा, तड़प उठा, हाँ हाँ करने लगा है बिल्कुल औरतों की तरह। लेकिन किसी ख्याल में मत रहना, मैं इतना छोटा सा पिटी जैसा नहीं हूं, तुम्हारी बातों का मुझ पर इतना सा भी असर नहीं होने वाला, समझे? और आप सब लोगों को क्या हो गया, आपको मालूम नहीं है कि आदमी खतरनाक कातिल है? इसे तो फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था। ऐसे आदमी को हम अपने हाथ से निकल जाने दे रहे हैं। क्या कहा आपने? हाथ से निकल जाने दे रहे हैं? आप क्या उसके जल्लाद हैं? हाँ, बोलो क्या करोगे? शायद आप चाहेंगे कि फांसी की रस्सी भी आप ही खींचे। जरूर, इस बदतमीज लौंडे के लिए तो मैं फांसी की रस्सी खींचने के लिए भी तैयार हूं। मुझे आप पर तरस आता है। ए मिस्टर, मुझसे नहीं उलझना, समझे? कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगे देखने की ख्वाहिश उभरती है? मैं कहता हूं चुप हो जाओ। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं तब से किसी इंतकाम के हवस में तड़पते हुए से पेश आ रहे हैं। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। आप इस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। शाब! आप इस लड़के के खून के प्यासे हैं। चुप हो जा कमीने! ये तो छोड़ दो, मैं मर डालूंगा इसे, मैं मर डालूंगा इसे। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है, है ना? भाई है? क्या देख रहे हैं आप लोग है? बहुत देर होती जा रही है, भोजन का कुछ प्रबंध करते ही ये लोग? मुझे नहीं पता। अगर कोई फैसला नहीं हो पाया तो फिर शायद हम लोग घर भी ना जा पाए। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पेचिश हो गई उसे। माफ कीजिएगा, ये झगड़ा हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने हमें इज्जत के साथ यहां बुलाया और एक ऐसे आदमी के बारे में फैसला करने को कहा जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं। हमें हमारे फैसले से कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला, इसीलिए हम सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत बहुत स्ट्रांग हैं और हमें चाहिए कि ऐसे ही बने रहे। मेरा मतलब है इस मामले को हमें जाति मामला नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू। कितना अंधेरा हो गया अचानक, लगता है बारिश आने वाली है। कितनी गर्मी है, आपको गर्मी नहीं लग रही? जी नहीं। एक बार और वोटिंग कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, इसे मध्यावर्ती चुनाव कहते हैं, मिड टर्म वोट। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमने जो पिछला वोट लिया था उसके हिसाब से 8 कसूरवार और 4 बेकसूर थे। अब हम देखते हैं कि हमारा फैसला क्या होता है। मैं आपको आपके नंबर से बुलाऊंगा, आप लोग मुझे अपनी अपनी राय बताइए। मेरा वोट है कसूरवार। नंबर 2 बेकसूर। नंबर 3 कसूरवार।
नंबर चार कसूरवार, नंबर पांच बेकसूर, नंबर छह, नंबर छह बेकसूर, नंबर सात कसूरवार, नंबर आठ बेकसूर, नंबर नौ बेकसूर, नंबर दस कसूरवार, नंबर ग्यारह बेकसूर, नंबर बारह, नंबर बारह गिल्टी गिल्टी, दोनों पक्ष बराबर, छह कसूरवार और छह बेकसूर। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती। छह के मुकाबले छह, मैं सच कहता हूं एक कत्ल इस कमरे में भी होने जा रहा है। वो लड़का जिस तबके से आया है, वो लड़का किस तबके से आया है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम यहां इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स फैक्ट्स की ऐसी की तैसी, फाड़ में गए फैक्ट्स, उड़ते जैसे चाहे मोड़ लीजिए। यही बात है गंदे दीजिए साहब, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मगर आपके दिमाग में शरीफ लोग नहीं रही है। चीख चीख कर आपने लोगों के काम के पर्दे फाड़ रखे। न्याय की बदतमी सुन के आदमी आप, बोलने का शौर नहीं आपको। प्लीज प्लीज कोई बात नहीं, अब बलन साथ नहीं देता वरना बताऊंगा मैं उन साहब को। कोई बात नहीं प्लीज चलिए आइए बैठिए। बहुत गर्मी है भाई, ये पंखा कम बस। पानी लेंगे आप? मैं लेके आता हूं। नहीं नहीं शुक्रिया। लगता है आज बारिश होगी। अच्छा क्यों, आपको ऊपर से कोई मैसेज आया क्या? जी। अच्छा एक बार बताइए, आपने अपना वोट क्यों बदला? मुझे महसूस हुआ कि ये कि आपकी टांग इतनी कमजोर थी कि आप एक फैसले पर टिक नहीं सकते थे। नहीं नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहली बार हमारे सामने आई है और हमें। मत छोड़ो यार, आप भी हवा के साथ फड़फड़ा गए, रोक खा गए इन साल इंटेलेक्चुअल्स का। नहीं नहीं ये बात नहीं है, आप भी उनमें से हैं जो एक ढूंढो हजार मिलते हैं। सुनिए श्रीमान, आपको कोई अधिकार नहीं मुझसे इस तरह से। कुत्ता साला। दो दिन से काफी गर्मी रही है। हाँ देखिए आज बारिश हो गई इसीलिए। अब तो चलिए अच्छा रहा, कुछ ठंडक तो पड़ेगी। देखो छह के मुकाबले छह, साला मजाक हो गया ये। किसी तरह इनको बदला नहीं जा सकता? इन छह हरामियों के दिमाग नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। कैसे? तर्क से, गालियों से नहीं। तर्क से? My bloody foot! बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ यही है जो हमेशा कायदे की बात करते हैं। छोड़ो कायदे और तर्क की बातें, मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ छाड़ कर हमें निकल जाना चाहिए। कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो रात पर यही बैठना पड़ेगा। इन छह हरामियों में से एक भी टूटने वाला नहीं, हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अदालत में खड़े होकर हलफ उठाया, आप इस तरह बीच में छोड़ के जाने से नहीं जा सकता। ये सरासर बेईमानी है, लड़का कसूरवार है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए मिस्टर, सुनिए प्लीज, आइए भाई चलिए, काफी देर हो गई है, काम शुरू किया जाए। सुनिए सब लोग, मेरा ख्याल है अब हमारा यहां और रुकना बेकार है, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। अदालत से जाकर कह देते हमसे कोई फैसला नहीं होगा। मेरा भी यही ख्याल है, चलिए चलते हैं, यहां गाड़ी अटक गई है, अब यहां पर कोई फैसला बदलने वाला नहीं है। सुनिए मिस्टर, क्या अब भी आपके दिमाग में किसी माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं। मुझे नहीं लगता अभी अदालत ये बात मंजूर करेगी, अभी हमने ज्यादा वक्त नहीं लिया है, सिर्फ दो ढाई घंटे तो बातचीत की है। यहां पांच लोग अभी तक आपके बहकाने में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग भी बेवकूफ है और आपकी बातों में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम किसी के बहकावे में नहीं आए, हमारी अपनी अपनी राय है, हमें माकूल शक है। हो सकता है शायद माकूल शक का पूरा मतलब आपको नहीं पता हो। व्हाट डू यू मीन आपको पता नहीं है?
आप होते कौन है मुझसे इतने बात करने वाले? देखा आपने इन साहब को, ये सब के सब एक जैसे हैं। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ है इस शहर में और हम ही को सिखा रहे हैं कि हमें क्या आता और क्या नहीं आता। रुके एक मिनट, यहां किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहां से आए थे, यहां आपके बाप कहां से आए थे? ए मिस्टर, यहां पर कोई नहीं बताएगा किस बात का मतलब मुझे पता है और किसका नहीं, खासकर ये, क्योंकि शहर में इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। एक ही झटके में सारे बाहर वाले बंबई शहर के बाहर कर दिए जाएंगे, समझे? अभी झगड़ा बंद कीजिए प्लीज। क्या हम थोड़ी देर भी झगड़े बिना नहीं रह सकते? मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर इन साहब को कुछ खास एतराज ना हो। प्रोसिक्यूशन का एक अहम नुकता यह भी था कि फिल्म देखने के 1 घंटे बाद लड़के को यह भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन कौन काम कर रहे थे। इन साहब ने भी कई बार इस पॉइंट को दोहराया है। बेशक, लड़के के पास अपने बचाव का सिर्फ यही एक बहाना था और वो भी नहायत कमजोर, जिसे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो पुख्ता नहीं बना सका। माफ कीजिएगा, उस लड़के की जगह पर अगर आप होते और अपने बाप से 2 थप्पड़ खाने के बावजूद आप भी ऐसे तनाव भरे माहौल से गुजरते, तो क्या इस तरह की छोटी छोटी बातें आप याद रख सकते थे? जरूर, खास खास बातें जरूर याद रखता। लड़के को याद नहीं थी क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं था। पुलिस के बयान के मुताबिक उस लड़के से पूछताछ उस कमरे के बाहर बैठकर की गई जिसमें उस वक्त भी बाप की लाश पड़ी हुई थी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में आप सारी बातें याद रख सकते थे? जरूर रख सकता था। मानसिक तनाव के बावजूद अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया था। उसने यह भी सही से बता दिया कि उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे थे। जी हाँ, लड़के के वकील ने काफी मेहनत की थी। कत्ल की रात से लेकर अदालत में आने तक उसके पास पूरे 3 महीने थे और इन 3 महीनों में उसने लड़के को सारी बातें अच्छी तरह से रटा दी थी। उस रात किसी खास थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही थी, उसमें कौन कौन काम कर रहा था, ये जानकारी हासिल करना किसी वकील के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि मैं तो उस पुलिसमैन की गवाही का यकीन करूंगा जिसने कत्ल के बाद लड़के का बयान लिया। कत्ल के फौरन बाद मानसिक तनाव हो या ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरूर पूछिए। कल रात आप कहां थे? मैं घर पर ही था। और परसों रात? ओफो, क्या हो रहा है ये? नहीं, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए। परसों रात अदालत से निकलकर मैं सीधा अपने ऑफिस गया, 8:30 बजे तक वहीं रहा, फिर घर चला गया। और उससे पिछली रात को? उससे पिछली रात यानी मंगल, मैं था, हाँ, ब्रिज का टूर्नामेंट था, मैं ब्रिज खेलता रहा, उसके बाद घर चला गया था। और सोमवार की रात? सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मंडे नाइट, हाँ, सोमवार को मैं और मेरी वाइफ एक फिल्म देखने गए थे। कौन सी फिल्म? जाने दो यारो, अच्छी फिल्म थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने भी ये फिल्म देखी है, इसका नाम है जाने भी दो यारो। हाँ, I'm sorry, जाने भी दो यारो। इस फिल्म में कौन कौन लोग काम कर रहे थे? निसारुद्दीन, नासिरुद्दीन शाह। जी नहीं, नासिरुद्दीन नहीं, नसीरुद्दीन शाह। और कौन? और सब नए थे, शायद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे इंस्टीट्यूट के लड़के। पहले उनके बारे में कभी कुछ पढ़ा सुना नहीं था। और तब आप किसी मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे थे? नहीं। मेरा ख्याल है साबित हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ा तीर मारा है। यकीनन बहुत बड़ा तीर मारा है। इन साहब को 2-4 घटिया फिल्म स्टारों के नाम याद नहीं तो उसका ये मतलब तो नहीं कि लड़का फिल्म देखने गया था। जी नहीं, लेकिन कोई ये भी साबित नहीं कर सकता कि फिल्म देखने लड़का नहीं गया था। हो सकता है उसे फिल्म का नाम वगैरह कुछ याद नहीं हो। अगर इन साहब के लिए कुछ बातें भूल जाना मुमकिन है तो उस लड़के के लिए भी बिल्कुल मुमकिन है।
क्योंकि इस पर कत्ल का जुर्म इसलिए जरूरी नहीं है कि उसकी याददाश्त भी बड़ी तेज होनी चाहिए। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जबान जमीन तक नहीं लटक जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म। और किसके पास है खांसी गोलियां? जरा देने एक। वो सब खत्म हो गई हैं। टाइम क्या हुआ होगा? 6:55। मिस्टर फिल्म तो गई आपकी। क्षमा कीजिएगा, मैं ये चाकू देख सकता हूं? जरूर। भाई हम वहीं अटके हुए हैं, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ। किसी के पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। खाना मंगवाया जाए और कुछ मोमबत्तियां। रात भर यहीं काटनी है ना? नहीं, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये बात बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी और अब जब फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि माफ कीजिएगा, अदालत में बात हो रही थी कि चाकू ऊपर से मारा गया था, यानी कि ऊपर से नीचे की दिशा में, है ना? अरे फैसला वो सब मत शुरू कर देना यार, 365 बार सुन चुके हैं वही बात। क्या बात है, जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप अपनी टांग मार देते हैं बीच में, मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं आप? क्या बोलेंगे आप? यही कहेंगे ना, बहुत दिलचस्प था शुद्ध हिंदी में। ठीक है, मैं यही कहूंगा, ये मेरा अधिकार है, चाहे शुद्ध हिंदी में ही सही, समझे? सुनिए जनाब, और आप प्रजातंत्र के बारे में बात करेंगे? अरे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा यार, आप हमेशा इतनी विनम्रता से क्यों बात करते रहते हैं? बिल्कुल उसी वजह से जिस वजह से आप नहीं करते, मेरी परवरिश जंगल में नहीं हुई है, समझे? आई एम सॉरी। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात मेरे गले नहीं उतरती, इसलिए कि लड़के की ऊंचाई है 5'3" और उसके बाप की ऊंचाई थी 5'10", अर्थात दोनों में 7 इंच का अंतर था। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगती है कि एक आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से कैसे वार करेगा। राजा को दीजिएगा मुझे। जब तक आप देख नहीं लेंगे आपको तसल्ली नहीं होगी। जी मैं दिखाता हूं। कोई साहब जरा यहां आए मेरे सामने, कोई भी। बड़ा गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं करूंगा मैं आपके लिए। मेरा कद आपसे 6-7 इंच छोटा है ना? ठीक है, शायद थोड़ा सा फर्क है। लीजिए मैं और थोड़ा छोटा हो जाता। रिलैक्स रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं हुआ। आप ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो देख लीजिए, ये रहा आपका वार करने का तरीका, ऊपर और कच से नीचे। अपने से ऊंचे कद के आदमी पर मैं इस तरह से वार करूंगा और इसी तरह किया गया था। एक मिनट एक मिनट, ऊपर से नीचे, बिल्कुल ठीक। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो बहुत साफ केस है। सर मुझे दीजिए चाकू। थैंक यू। मुझे नफरत है इन चीजों से, इन्हीं चीजों में पला था मैं। क्या किसी झगड़े वगैरह में चाकू चलते देखा है आपने? सैकड़ों बार, अपनी गली में, मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में, वहां ऐसी बातें रोजमर्रा की बातें थी। कैसी अजीब बात है कि मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, शायद सोचना चाहता भी नहीं था। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आदमी बुलाने की कोशिश करता है। बहरहाल
ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे इस तरह से पकड़ा जाता है और इस तरह से खोला जाता है, और ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। तो फिर वार कैसे किया जाता है? नीचे से। माय गॉड, सॉरी। इस तरह के चाकू को किसी दूसरी तरह से नहीं पकड़ा जाता। आर यू श्योर? बिल्कुल, इसीलिए इस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा, चाकू चलाने में लड़का बहुत माहिर है, ये तो सभी मानते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मतलब आपको लगता है कि लड़की ने ऊपर से नीचे वार नहीं किया? जी, जिस लड़के को इतना अनुभव हो और इतनी प्रैक्टिस हो वो ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल अपने आप ही हाथ पर उस तरह से चल जाते हैं जिस तरह की उन्हें आदत पड़ जाती है, जैसे किसी कार का ब्रेक या गियर। अगर वो लड़का वार करता तो नीचे से ही करता। यह बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने कत्ल करने का कोई डिप्लोमा नहीं रखा है क्या? ये वार भी नीचे से ही किया गया था। तो ठीक है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ, ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? जब उस बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ तो क्या आप उस कमरे के अंदर मौजूद थे? जी नहीं, और आप भी मौजूद नहीं थे। ये सब से कुछ नहीं होगा मिस्टर, मुझे यकीन नहीं है उसकी बातों पर। महज इसलिए कि वो लड़का चाकू चलाने का माहिर था, इससे जख्म की नौइयत तो तय नहीं हो जाती। ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका क्या ख्याल है? वेल, आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? आई डोंट नो। सुनिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। आप इस बहस से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी खोपड़ी भन्ना रही है, मैं तंग आ गया हूं, इसलिए मैं अपना वोट बदल रहा हूं। बेकसूर। क्या 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 क्या? सुना नहीं आपने? बेकसूर। पहाड़ में जाओ, क्या पहाड़ में जाओ? ये कोई जवाब नहीं होता। नहीं है तो नहीं है, आपको ऐसे क्या? आप अपनी चिंता कीजिए। ठीक कह रहा है वो, ये कोई जवाब नहीं है। किस तरह के आदमी हैं आप? पहले सबके साथ मिलकर आपने कसूरवार का फैसला दे दिया क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा के टिकट उछल कुल में जा रहे थे, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप ऐसे तंग आ चुके हैं। ए मिस्टर तामिलन, किसी की जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है आपको। इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई बात हो ही नहीं सकती। सुनिए, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, मगर इसलिए नहीं कि आप जैसे तंग आ चुके हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन है कि लड़का बेकसूर है। और अगर आपको लगता है कि लड़का कसूरवार है, आपको यकीन है, तो अपना वोट जरूर दीजिए। रात में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको जो ठीक लगता हो कर सके। एक मिनट, कसूरवार या बेकसूर? मैंने कह दिया बेकसूर। क्यों? और डैम इट, मुझे कोई सफाई देने की बंदिश नहीं है। बंदिश है, बताइए क्यों कहा बेकसूर? मुझे मुझे नहीं लगता लड़का कसूरवार है। मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूंगा। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरा ख्याल है हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। जो लोग बेकसूर के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। और कसूरवार के पक्ष में? मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों को हो क्या गया है। आप ऐसे किससे कहानियों पर यकीन कर रहे हैं जिनका कोई तुक नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अकलमंद हैं, जरा सोचिए आप लोग कर क्या रहे हैं। ये आदमी, आप इसे जानते हैं? मुझे तो ये आदमी पागल नजर आता है। इसे तो आगरा ये थाना की पागलखाने में होना चाहिए था। आप इसकी बात अभी यकीन कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में मैं जो कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, तर्क की बात करता हूं। वो लोग हमसे अलग हैं, उनकी जिंदगी हमसे अलग है, उनका सोचना हमसे अलग है, उनकी उनकी हरकतें हमसे अलग हैं। उनको किसी का खून करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए,
और सच कह रहा हूं, सब जानते हैं दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां इनके अंदर खुशी हुई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, डंडीबाजी करते हैं, क्या क्या नहीं करते ये बास्टर्ड्स। रुकिए मिस्टर, ये क्या हरकत है? जरा देखिए, जरा देखिए इस आदमी की बदतमीजी। इन हरामजादों को तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है। जरा सी शराब पी, किसी की पीप पे छुरा घोपा, वो पड़ी है लाश कदर में। इनका इनका तो खून ही ऐसा है, इनकी फितरत में शामिल है ये सारी गंदगी। अब कहां जा रहे हैं? जाइए, आप भी जाइए और अंदर जाकर अपने कान अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, ताकि मेरी बात उनके अंदर घुस सके। सुनिए, इस काम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जिए या मरे इनकी बला से। ये लोग अपनी मां की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते। सारे जानवरों की तरह पैदा होते हैं, सुअर के बच्चों की तरह बढ़ते हैं और उन्हीं की तरह मरते हैं ये बास्टर्ड्स। आपको पता है, आप एक नहायती गंदे, बीमार और खरीज आदमी है। गंदा और खरीज? बिल्कुल ना, अपनी जगह पे। ओ बुड्ढे, जरा ढंग से बात कर बेटा। तेरी तो आप बीच में ना आइए, ये होता कौन है बीच में बोलने वाला? गंदा और बीमार, जरा हिम्मत तो देखो इसकी, खड़े तो होते नहीं बनता। खा बीच में ढंग मेरा ख्याल है, आप चुप हो जाइए। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब साले पागल हो गए हैं, सारे के सारे, और इस हरामजादे बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। बोल! अरे बस, अरे अरे बोल! बस कीजिए, बस टेक योर प्लीज। सामना कर रहे हैं हम लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के दस, दस के दस लाख, यही लोग, यही तबका जिससे ये हरामजादा लड़का आया है, जान बूझ कर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ताकि ताकि हमारी कौम को खत्म करते हैं, नाम और निशान मिटा दें हमारी कौम का। मैं सच कहता हूं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, हमसे नफरत करते हैं, ये हरामजादे हम पर हुकूमत करेंगे। आप सब साले इंटेलेक्चुअल, मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं, हमें होशियार हो जाना चाहिए। ये लड़का उन्हीं सांपों की औलाद है जो इस वक्त हमारे हाथ में है, इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक तो कम हो, तरक्की ऐसी की तैसी, और कानून, कानून क्या है? वो तो मोम की नाक है, जब चाहो जिधर चाहो घुमा लो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। क्यों करूं? वो साले करते हैं कानून की परवाह, बास्टर्ड्स। बहुत हो गया, अब चुप होते कि नहीं आप? तू मुझे चुप कराएगा साले? अगर तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी और निकला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। And I mean it. I mean it. मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने पूर्वाग्रह, अपने जाति जज्बात को अलग रखना, और इसी वजह से सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और शायद कभी पता होगी भी नहीं। बहरहाल, हम में से नौ लोग सोचते हैं कि लड़का कसूरवार नहीं है, लेकिन यह सोचना सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है, इसलिए हो सकता है कि हम गलत हों। हमें नहीं पता, हो सकता है कि एक कसूरवार लड़के को हम दोबारा समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हों, लेकिन हमारे पास माकूल शक है, और यह बचाव का वो जरिया है जिसकी हमारे समाज में और कानून की नजर में बहुत अहमियत है। हम अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, हम किसी भी शख्स को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक कि हम पूरी तरह से निश्चित न हो। आप तीन लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं? यह बात हम नौ लोगों की समझ में नहीं आती है। शायद आप में से कोई हमें समझा सके। आप
कोशिश करता हूं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, खासतौर से वो चाकू वाला पॉइंट जिससे आपने ये साबित किया कि लाश पर जख्म का जो निशान था वो ऊपर से नीचे की तरफ वार करने से नहीं बना है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल का मुजरिम वो लड़का ही है। उसकी दो वजह हैं मेरे पास। पहली, वो औरत जो सामने वाले मकान में रहती है और जिसने सचमुच उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो सिर्फ यही एक गवाही काफी है। और दूसरी, उसी औरत का बयान है कि उसने लड़के को हाथ उठाकर बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा। उसने उसे देखा, भले ही गलत ढंग से वार करते हुए देखा हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आइए एक मिनट उस औरत के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात वो तकरीबन 11 बजे अपने बिस्तर पर जाकर लेटी। उसका बिस्तर बिल्कुल उस खिड़की से लगा हुआ है जहां से वो लेटे लेटे भी लाइन के उस पार लड़के के कमरे में देख सकती है। उसके कहने के मुताबिक तकरीबन 1 घंटा उसे नींद नहीं आई और वो यूं ही करवटें बदलती रही। रात को 12:10 पर एक लोकल ट्रेन उधर से गुजरी और इस गुजरती हुई ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने कत्ल की वारदात होते हुए देखी। उस औरत का यह भी कहना है कि उसने बाप का कत्ल करते हुए लड़के को अच्छी तरह से पहचान लिया था। जहां तक मेरा ख्याल है, यह गवाही एक चट्टान की तरह मजबूत गवाही है और इसको हिलाया नहीं जा सकता है। मेरा भी यही कहना, पूरा केस इसी गवाही पर टिका हुआ है। कहिए, कहीं कोई शक नजर आ रहा है आपको? वेल, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? वेल, आई डोंट नो। दरअसल मैं इतनी सारी दलीलें, बहुत उलझा हुआ केस है। हाँ, कहिए, आखिर हम किस बिना पर लड़के को बेकसूर कह सकते हैं? एक्चुअली इतनी सारी दलीलों को एक सही तरतीब में सजाना बहुत मुश्किल होता है। आप सारी दलीलों को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। उस औरत ने देखा, और क्या चाहिए आपको? है वेल, मे बी। एक वोट और हो जाए। एक और वोट की मांग की गई है, किसी को कोई इतराज तो नहीं है? हाँ, बोलिए, क्या राय है आपकी? एक मिनट, मैं अपना वोट बदल रहा हूं। मुझे लगता है कि लड़का कसूरवार है, गिल्टी। माफ कीजिए, आप हरियाणा से हैं क्या? आया राम गया राम, जिधर की हवा देखी उधर ही बह गए। और भाई तो जनाब, वोट है 8 बेकसूर और 4 कसूरवार। आप इस एक वोट को अपनी निजी फतह क्यों समझ रहे हैं? मुझे मजा आता है मुकाबलेबाजी में, यू सी। हाँ, तो कोई और साहब अपनी राय बदलना चाहते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमें फौरन अदालत में जाना चाहिए और यह बात बता देनी चाहिए। क्या? लेकिन पहले तो आप इस राय के खिलाफ थे। जी हाँ, लेकिन अब नहीं। क्या बकवास बात है, आप ही ने कहा था आपको लगता है ये बेमानी हो। लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि इस छत के नीचे इतने जिद्दी और इतने खर दिमाग लोग घुसे हुए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे हफ्ता भर यहां पर बैठे रहे। हाँ, तो भाई मेरा कहना है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कोई साहब हैं जो जवाब में कोई दलील पेश करना चाहेंगे? बोलिए, आप तो लीडर हैं इस क्रांतिकारी समाज सुधार समिति के, आपकी क्या राय है? मेरी वही राय है जो हमेशा थी, बातचीत जारी रहनी चाहिए। 10 बार बातचीत हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कब तक हमारे ये बेचारे बाबूजी अपना दल बदलते रहेंगे? हाँ, तो बोलिए भाई, खत्म किया जाए अब ये सब टंटा। मेरा ख्याल है हम लोगों को एक वक्त तय कर लेना चाहिए। अभी क्या बजा है? 7:05। हाँ, 7:05। अभी किसी ने 7:30 या 8 बजे तक की बात की थी। मेरा ख्याल है 7:30 तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। ओके,
और हम उसके बाद ही तय करेंगे कि अदालत में हमें जाना चाहिए या नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि 7:30 बजे तक का टाइम काफी मुनासिब रहेगा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप अपनी नाक के पास इस तरह से सहला रहे थे। इस तरह से बीच में बोलने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आपके इस तरह नाक सहलाने से मुझे अचानक एक बात याद आ गई। देखिए, मैं कुछ जरूरी बातें तय करना चाहता हूं। अगर आप, मेरे ख्याल में मेरी बात ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अपनी ही ज्यादा जरूरी बात कीजिए। शुक्रिया, मुझे यकीन है बाद में इस बदतमीजी के लिए आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन अभी अचानक मेरे जहन में सवाल बिजली की तरह पहुंच गया कि आप अपनी नाक आखिर इस तरह क्यों सहला रहे थे। क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप, चुप हो जाइए। इस वक्त इस लम्हे मैं इंसाफ से बात कर रहा हूं आपसे, नहीं समझे? बैठ जाओ। हाँ तो जरा बताइए, आप अपनी नाक आखिर इस तरह क्यों सहला रहे थे? अगर ये जानकारी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो बता देता हूं। इसलिए कि मेरे यहां थोड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर माफी चाहूंगा, इस तकलीफ की वजह क्या है? क्या आपका चश्मा? जी हाँ, मेरा चश्मा। अब इजाजत है काम शुरू करने? बस एक मिनट और दूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। चश्मे की वजह से आपकी नाक के दोनों तरफ काफी गहरे दो निशान हैं। इन्हें मैंने पहले गौर नहीं किया था। काफी परेशान करते हैं आपको? जी हाँ, काफी परेशान करते हैं मुझे। कुछ एतराज है? नहीं, नहीं, मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी चश्मा नहीं पहना। मेरी आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अब तक कांटों लग जाएगी। आप खामखा हमारे वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। खामोश। हुजूर आला, जिस खातून का दावा है कि उसने कत्ल की वारदात अपनी आंखों से देखी है, उस खातून की नाक के दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे ही दो गहरे निशान थे जैसे कि इंसाफ के। बिल्कुल ठीक है। प्लीज, बस एक मिनट और दूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन अभी अचानक उस खातून का चेहरा मेरे दिमाग में कौन गया और मुझे याद आया कि उस खातून की नाक के दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे ही दो गहरे निशान थे जैसे कि इंसाफ के, और अदालत में बैठे बैठे उन्होंने निशानों को इस तरह सहलाया भी था। आप ठीक कह रहे हैं, उस औरत ने कई बार ऐसे सहलाया। इन मोहतरमा की उम्र तकरीबन 45 साल की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ज्यादा की ना लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के सामने नुमाइश करने का मौका मिला हो। गौर किया होगा आप लोगों ने, काफी बंधन करवाई थी, बालों में खिजाब लगाया हुआ था। मुझे पता है क्योंकि पहले कभी मैं भी तो सब बड़े खूबसूरत नए किस्म के कपड़े पहनकर आया करती थी जो शायद किसी कम उम्र की बच्ची पे ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो साहब ये सब तैयारियां थी उनकी, और चश्मा नहीं लगाया गया था जानबूझकर। औरतों की फितरत ही कुछ और होती है। तो जनाब आली, जरा इस औरत का चेहरा अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। चश्मा नहीं लगाया था? क्या मतलब? आपको कैसे पता वो चश्मा लगाती थी या नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहां अपनी नाक चला रही थी, बस। उसकी नाक पर निशान थे, मैंने देखे थे। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकलता? मुझे याद है, मैंने भी देखे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो उस औरत के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? उसके यहाँ निशान थे, यहाँ हाथ थे। अच्छा ठीक है, उसके यहाँ नाक पर निशान थे, वो अपने बारे में खिजाब लगा कर आई थी, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है? लड़का बेकसूर है? एक मिनट, क्या निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज के हो सकते? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अच्छा, आप लड़के के वकील के बारे में बात कीजिए, उसने क्यों नहीं उठाई ये चश्मे वाली बात? हम 12 लोग इतनी देर से इस मामले पर बहस कर रहे हैं, हमें से भी 11 लोगों को ये बात नहीं सूझी। ओके। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि वो वकील इतनी बेईमानी करेगा कि अपनी गवाह को, जो कि चश्मा पहनती है, मेरा चश्मे की अदालत में पेश कर देगा? है क्या कभी किसी ऐसी औरत को आप जबरदस्ती चश्मा पहना सकते हैं? जो चश्मा इसलिए नहीं पहनना चाहती कि उसकी खूबसूरती में ऐब आ जाएगा। अच्छा ठीक है,
उसके यहाँ नाक पर निशान थे। वो औरत चश्मा लगाती थी लेकिन बाहर लोगों के सामने नहीं लगाती थी ताकि उसकी खूबसूरती में कोई ऐब ना आ जाए। लेकिन जनाब जिस वक्त उसने यह कत्ल की वारदात देखी उस वक्त वो अपने कमरे में थी, अपने कमरे में अकेली। बस बात खत्म। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते वक्त भी चश्मा लगाते हैं? नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं पहनता। मुझे ये बात ढंग की लगती है। जिस वक्त वो औरत बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी उस वक्त उसने चश्मा नहीं पहना होगा। आपको कैसे मालूम? मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है। मेरा ये भी अंदाजा है जिस वक्त उसने यूं ही अचानक खिड़की के बाहर नजर डाली उस वक्त वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी। उसके पास वक्त ही नहीं था। खुद उसका कहना है कि जो ही उसने खिड़की के बाहर देखा उसी पल उसे कत्ल की वारदात होती दिखाई दी। एक दो सेकंड के वक्फे में चश्मा उठाकर पहनना मुमकिन नहीं है। अच्छा एक मिनट रुके। मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर कि उसको लगा कि उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन मैं कहता हूं कि उसे लड़का नहीं बल्कि एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे क्या दिखाई दिया होगा? इन सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं? आपको कैसे मालूम कि वो चश्मा पहनती थी भी या नहीं? हो सकता है कि वो किताब पढ़ने का चश्मा पहनती हो, हो सकता है कि वो धूप का चश्मा लगाती हो। वो कुछ भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उस औरत की नजर पर शक है। उसकी आंखें खराब हैं। माफ कीजिएगा, बिना चश्मे के 60 फीट की दूरी से एक आदमी को उसने कैसे पहचाना? बिल्कुल, ऐसी गवाही के आधार पर किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। ये सब मत बताओ तुम मुझे। क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत से गलती हुई होगी? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? यस, मुमकिन है। मेरा ख्याल है लड़का बेकसूर है। नॉट गिल्टी। यस, गुड, वेरी गुड। आपका क्या ख्याल है, लड़का कसूरवार है या बेकसूर? अब मुझे कोई मतलब नहीं, आप सब हरामी हैं, जो मर्जी कीजिए। लेकिन आपकी राय क्या है? बेकसूर जान में चाहिए। तुम साले एक नंबर के कमीने। मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। क्या आपकी भी यही राय है कि लड़का कसूरवार है? कहिए। नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है लड़का बेकसूर है। आप भी? क्या हो गया आपको है? एक आप ही तो हैं जो सिर्फ मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। आप भी पलट गए? कल वो लड़का सड़कों पर आजाद घूमता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप मेरे साथ रहिए प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है, उमूमन मैं गलती नहीं करता, पर आज न जाने कैसे। खैर, अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है, लड़का बेकसूर है। अब 11 बेकसूर और कसूरवार 1। और भी तो कितने सारे सबूत हैं। वो बूढ़ा है और वो चाकू है, और भी नहीं जाने क्या क्या है। आपने ही कहा था कि बाकी सबूत उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो। आप अकेले हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक, ये आपका हक है। क्या चाहते आप लोग? मैं कहता हूं लड़का कसूरवार। आप इसकी वजह बताइए। मैं बता चुका हूं इसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप बताइए, आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों है? अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज, हर एक बात इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं, मैं कोई बेवकूफ बस या यूं ही कुछ? आप सब लोग बहुत ही टुच्चे किस्म के लीजिए और कमजोर लोग हैं। बच्चड़िया जैसा, पिद्दी जैसा दिल पाया आप लोगों ने। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, समझो।
मुझे अपनी राय पर खड़े रहने का पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी इस कमरे में इस छत के नीचे इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देखिए कोई मेरा क्या कर लेता। उस बूढ़े की बात क्यों नहीं लेते आप जिसने सब कुछ सुना? या वो चाकू सिर्फ इसलिए क्योंकि इन साहब को बिल्कुल वैसे ही चाकू मिल गया? उस बूढ़े ने देखा इस लड़के को भागते हुए, इसमें कितने सेकंड लगे, इससे क्या फर्क पड़ता? और भी बहुत सी बातें, जेब से चाकू गिर गया, इससे क्या साबित होता कि बूढ़े ने लड़के को भागते हुए नहीं देखा? कुछ साबित नहीं होता। आप लोग देख नहीं रहे यहां हर चीज का मतलब बदल दिया गया? जैसे कि वो चश्मा, आपको कैसे मालूम कि वो चश्मा पहनती थी या नहीं? सिर्फ इसलिए कि उसने अदालत में खड़े होकर हलफ उठाया। और क्या चाहते आप? That's it. लड़के ने क्या कहा था चीख कर? मैं मार डालूंगा तुझे। और किससे कही थी उसने बात? बताइए किससे कही थी उसने ये बात? अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। और भी न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने बेटे के लिए। और बदले में क्या मिला उसे? चाकू 4 इंच गहरा, यहां सीने में उतार दिया, खत्म कर दिया उसे हमेशा के लिए, ताकि डांट नहीं खानी पड़े, कोई बताने वाला ना हो ये अच्छा है करो, ये बुरा है मत करो। एक बाप क्या है? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरा बेटा, उसने मुझे यहां गाल पे जोर से थप्पड़ मारा 2 बार और भाग गया मुझे छोड़कर अकेला। उसकी मां मर गई उसके गम में, देखने भी नहीं आया उसे। अकेला बैठा रहता हूं। दीवारों को घूरता रहता हूं, वीरान कमरों में घूमता रहता हूं प्रेत की तरह। यहां बहुत खाली खाली लगता है सब। ये सुना पर उस चाकू से भी पत्थर है। कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे? कितनी बार मरूंगा अपने बेटे के लिए? मेरा बेटा, मुलजिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए। ठीक है बेकसूर।
सब तैयार है। बारिश हुई, अब ठंडक हो जाएगी। दो साल हो गए लौट कर नहीं आया मेरा बेटा।